तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बीपीएससी उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, जैसा आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी उत्कर्ष आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आया हुआ है या सीरीज लेकर के आया हुआ है बोधि 70 बैच के लिए, जिसमें साइंस के सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग लेकर के आए हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है हीट। तो हम लोग हीट को पढ़ने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं और हमेशा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए रहा है। आप अगर बीपीएससी दे रहे हैं या कोई और भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हीट या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, ऊष्मा कहते हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हीट में हमको पढ़ना क्या है, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या इस टॉपिक संबंधित आपको जानना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमको ये जानना है कि हीट होती क्या है, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके बाद हमको तापमान यानी कि टेम्परेचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तापमान और ऊष्मा में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में जानना चाहिए, तापमान कैसे मापा जाता है, उसके स्केल क्या होते हैं, उसके पैमाने क्या होते हैं, कौन कौन से पैमाने इम्पॉर्टेंट हैं, इसके यूनिट क्या होती है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तापमान जानने के बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि जो आपका जो प्रसार है, थर्मल एक्सपेंशन जो कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि कह सकते हैं इसको ऊष्मीय प्रसार, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऊष्मीय प्रसार जो होता है, किस प्रकार से ऊष्मीय प्रसार होता है, लंबाई में कैसे वृद्धि होती है, आयतन में कैसे वृद्धि होती है उसकी, और उसके क्षेत्रफल में किस प्रकार से तापमान को बढ़ाने या घटाने पर किसी भी कंडक्टर के लंबाई में, चौड़ाई में या क्षेत्रफल में या उसके आयतन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, कंप्रेशन होता है या उसका एक्सपेंशन होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को पढ़ना है। थर्मल एक्सपेंशन के बाद हम लोगों को पढ़ना है ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर के हमारे पास चार तरह के प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, तीन प्रकार कह सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जो आपको डिटेल पढ़ना है। हीट ट्रांसफर, उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कह देते हैं हम लोग, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऊष्मा के बारे में अपनी अपनी बातें कही हैं, जैसे किरचाफ का नियम आपसे पूछ लेगा यहां पर, ऊष्मा संबंधित किरचाफ का नियम क्या है ये आपको जानना चाहिए, स्टीफेंस का क्या नियम है, किरचाफ के बाद यहां पर आपका स्टीफेंस का क्या नियम है, स्टीफन का क्या नियम है, इनको हमको जानना चाहिए। इसके बाद न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है, न्यूटन का शीतलन नियम, कूलिंग लॉ जो है न्यूटन का शीतलन का नियम, कोई चीज कैसे ठंडी होती है, शीतलन का नियम। और एक और चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, वीन्स का नियम, इतनी चीजें आपको यहां से पढ़नी है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका किसका होगा, हीट का होगा, इसको हम लोग कवर करेंगे। जिसे आपने देखा यहां पर ऊष्मा हो गया, तापमान हो गया, ऊष्मीय प्रसार हो गया, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, किरचाफ का नियम, स्टीफेंस का नियम, न्यूटन के शीतलन का नियम और वीन्स लॉ, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ने का काम करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को आराम समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक चीज़ों को अच्छे से हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हीट और टेम्परेचर को, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि हीट और टेम्परेचर में वास्तव में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर
दो चीजों की हम बात करें अगर यहां पर, एक तरफ अगर हम लिख दें यहां पर हीट, क्या लिख दें, हीट लिख देते हैं यानी कि ऊष्मा लिख देते हैं, एक तरफ क्या हो गया हमारा ऊष्मा हो गया, और एक तरफ लिख देते हैं हम लोग टेम्परेचर यानी कि तापमान, टेम्परेचर यानी कि तापमान कर देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है और हीट होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो ऊष्मा होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, हमेशा ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें बताती है कि, और ये जो ऊष्मा है ये हमेशा क्या है कि एक नियम को फॉलो करती है, हमेशा एक गर्म मटेरियल से ये ऊष्मा जो होती है वो ठंडे मटेरियल की तरफ ट्रांसफर होती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, और ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ये तापमान और उस पदार्थ की मास यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और ऊष्मा किसी पदार्थ से कितनी निकली है ये उस पदार्थ के द्वारा या उस सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य की क्या होती, समानुपाती होती है, वर्क डन। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी के बारे में आपने पढ़ चुके हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है वही क्या है, ऊर्जा है। तो जब हम कार्य करते हैं तो उसमें ऊष्मा या तो हम देंगे या हम ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा दो तरह की आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होंगी दो कोई कंपाउंड मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जैसे श्वसन की बात हम लोग कर देते हैं, जैसे दहन कंबसन की हम लोग बात करते हैं, जैसे पानी में आप चूना डाल दीजिएगा लाइम, तो उससे आप क्विक, जो आपका स्लैग लाइम होता है उससे क्विक लाइम बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बुझा चूना। तो जब पानी में आप डालते हैं चूने को तो वहां पे बहुत ही हीट निकलती है, तो किए गए कार्य के बराबर ही क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो सिंपल सी बात यह है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उस पदार्थ के मास और तापमान पर निर्भर करती है, और ऊष्मा जो होती है किए गए कार्य के समानुपाती होती है, और ये हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है। तो अब बात करेंगे तापमान फिर क्या होता है, तो टेम्परेचर क्या है, ये बताता है हमको, इंडिकेट करता है हॉटनेस और कूलनेस को, कोई भी पदार्थ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। यहां पर ऊष्मा से कोई मतलब यहां पर नहीं है, यहां पर हमको ध्यान रखना है कि तापमान हमको बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। इस चीज को इंडिकेट करने के लिए जिस हम एक पैरामीटर का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका तापमान कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि तापमान जो होता है ये क्या है, एक प्रकार का आपका जो सात मूल जो राशियां हैं, सेवन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनमें से एक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये सात हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उन्हीं में से एक क्या है, हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का उपयोग करते हैं। जबकि हमारी जो एनर्जी होती है, जो हीट होती है, वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ये आपको समझना होगा दोनों चीजों को, फिर हम बताएंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है दोनों की। तो हीट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि हीट एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जा होती है, हीट जो होती है, ये उस पदार्थ के मास पे निर्भर करती है, उस पदार्थ के मास पे और उस पदार्थ के टेम्परेचर पे निर्भर करती है। और मान लीजिए कोई सिस्टम है, यहां पर दो सिस्टम मान लीजिए लगे हुए हैं, यहां पर एक मान लीजिए क्या है आपका T1 टेम्परेचर है, एक क्या क्या है आपका T2 है। तो हमेशा अगर T1 क्या है ग्रेटर देन T2 है तो हमेशा हीट क्या होगी, T1 से T2 की तरफ ट्रांसफर होगी। हमेशा T1
T1 का तापमान ज्यादा है, T2 का कम है, तो हीट हमेशा क्या होगी, ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से कहां पे होगी, लो टेम्परेचर की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो एनर्जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, सॉरी हीट के बारे में, कि हीट एनर्जी है और हमेशा हाई टेम्परेचर से क्या होती है, लो टेम्परेचर की ओर बहती है और ये मास पे और टेम्परेचर पे निर्धारित करती है। थर्ड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना वो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है यहां पर, कि किया गया जो कार्य होता है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आपका हीट है। यहां पे W क्या है, वर्क है, किया गया कार्य है, और ये क्या है आपका, ये आपकी क्या है, हीट है। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आता है W बराबर जे थीटा। जे क्या होता है आपका, एक प्रकार से क्या है, तापीय तुल्यांक कह सकते हैं इसको, थर्मल, एक थर्मल हम इसको कोफिशियंट कह सकते हैं, ये नियत रहता है, इसकी मान हमेशा क्या है, नियत रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए यहां पर कि W बराबर जे थीटा क्या हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। ऊष्मा का यांत्रिक क्या है, ये तुल्यांक है, और इसका जो मान है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित रहता है। यानी कि आपको समझना है कि कोई भी वस्तु अगर वर्क कर रही है तो या तो उस पर हीट उसको दिया गया है या वो हीट जनरेट करती है। तो कितना हीट दिया गया है, कितना हीट जनरेट करेगी, वो किए गए कार्य पे क्या होती है, निर्भर करती है, किए गए कार्य पे क्या होती है, निर्भर होती है। ये तीसरी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है। इसकी वैल्यू होती है 4.186 जूल पर कैलोरी, 4.186 जूल पर कैलोरी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होता है, जे की वैल्यू होती है 4.186 जूल पर कैलोरी क्या होती है, इसकी आपकी यूनिट होती है, सॉरी इसकी क्या है, वैल्यू होती है जे की, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे यहां पर पूछ लेता है कि कार्य की इकाई क्या होती, सॉरी हीट की इकाई क्या होगी, हीट की यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा हीट चूंकि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाती है, जूल होती है। क्या हो जाती है, जूल। ध्यान रखिएगा एसआई पद्धति में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, आपकी जूल होती है, क्योंकि एक प्रकार का कार्य एनर्जी ही है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब ये तो हो गए एसआई पद्धति में। अगर सीजीएस में कहा जाएगा तो हमने सीजीएस में पढ़ा था कि एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है। क्या होती है, अर्ग होती है, और जो 10^-7 डाइन के बराबर होता है। यहां पर कहा जाता है कि जो हीट की जो यूनिट है एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट वो कैलोरी होती है। ध्यान रखिएगा तो यहां पर अगर कहा जाए कि इसकी क्या हो जाएगी तो इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी कैलोरी होती है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्या होती है, कैलोरी होती है। किसमें, सीजीएस में होती है, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कैलोरी होती है। और एक और ध्यान रखिएगा, इसकी और एक यूनिट होती है थर्म होती है। इसकी एक यूनिट क्या होती है, थर्म होती है, और एक होती है इसकी आपकी कौन सी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब कैलोरी में और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में डिफरेंस क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। कैलोरी में और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में डिफरेंस क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का तापमान एक डिग्री बढ़ाने के लिए, किसी भी एक किलोग्राम लीजिए, एक किसी भी कोई पदार्थ है एक किलोग्राम का है, एक किलोग्राम मटेरियल का टेम्परेचर अगर हमको एक डिग्री बढ़ाना है, उसके लिए जितने हमको हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाती है एक कैलोरी। और वहीं पर अगर पूछा BTU की क्या होगी, तो एक पाउंड, यहां पे हम, वहां पे हमने लिया था किलोग्राम, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, पाउंड ले रहे हैं। एक पाउंड मटेरियल का तापमान एक डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हीट की हमको आवश्यकता होती है उसको हम लोग एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है।
किसी भी पदार्थ के एक किलोग्राम का तापमान एक डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उसको हम एक कैलोरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक कैलोरी कहते हैं। और किसी भी पदार्थ के एक पाउंड का तापमान एक डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर हो गई? अब यहां पर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जूल और कैलोरी में रिलेशन क्या होता है। तो एक कैलोरी में 4.186 या लगभग 2 मान सकते हैं क्या होता है आपका, जो आपका क्या होता है, जूल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये यहां पे आपसे पूछ सकता है। तो एक कैलोरी में क्या होता है आप 4.186 या इसको हम कह देते हैं 4.2 कैलोरी एक जूल में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां से भी आपसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहां पर बात आती है कि तापमान जो होता है वो क्या है, किसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे, टेम्परेचर की। तो हम समझ गए यहां पर कि हीट बेटा क्या है, हीट तो आपकी एनर्जी हो गई। तो टेम्परेचर यहां पर क्या है, टेम्परेचर हमको बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है। तो इसको हम अलग से बात करते हैं आपकी यहां पर तापमान को लेकर के। जो तापमान होता है बेटा, जो आपका टेम्परेचर है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि तापमान हमको बताता है कि कोई चीज कितनी हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, कोई भी वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, यानी कि गर्म और ठंडे का जो डिफरेंस है उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, तापमान का उपयोग करते हैं। तापमान कोई आप ये देखेंगे, हीट को महसूस करने का, हीट को मात्रा को समझने का जो एक पैमाना है वो क्या है, आपका तापमान है। जैसे हम आग पे हाथ रखते हैं तो हमको वो गर्म महसूस होता है। तो ये जो गर्म महसूस हो रहा है ये क्या है, ये ताप है, ताप का मान है। अगर हम बर्फ पे हाथ रखते हैं तो हमको ठंडा महसूस होता है। वहीं पर हम क्या करें, दो वस्तुओं को रखें, एक ज्यादा गर्म हो एक कम गर्म हो, तो हम देखते हैं कि दोनों में हमको अंतर आएगा। ये जो डिफरेंसेस हैं, जो टेम्परेचर का जो डिफरेंसेस हैं, इसको मेजर करने के लिए, यानी किसी भी पदार्थ में जो हीट की जो मात्रा है उस हीट की मात्रा को मेजर करने के लिए, तो हम कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, कैलोरी मीटर का। लेकिन तापमान के कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, तापमान का हमेशा उपयोग करते हैं। अब जो हम तापमान का उपयोग करते हैं तो हमारे पास तापमान को मापने के लिए क्या है, अलग अलग हमारे पास स्केल होने चाहिए। तो तापमान को मापने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के स्केल हैं। कौन कौन से हैं उसको हम समझ लेते हैं। तापमान को मापने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के स्केल हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस, एक को हम लोग कह देते हैं डिग्री फारेनहाइट, एक को हम कह देते हैं केल्विन और एक को हम लोग कह देते हैं रूमर। 4 प्रकार के हमारे पास क्या है, तापमान को नापने के हमारे पास क्या है, स्केल होते हैं। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और क्या होता है आपका, रूमर होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया है, इन चारों को बनाने का काम किया है। इसमें अलग अलग स्केल होते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया है कि इनका हर स्केल का जो एक फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जहां पर पानी जम जाता है, और एक लेवल रखा है जहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बीच में उन्होंने अलग अलग कॉलम में इनको बांट के रखा है। उस कॉलम के आधार पर इन्होंने अपने अपने स्केल को डिजाइन किया है।
तो अगर आपसे यहां पे पूछता है कि इनको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, तो ध्यान रखिएगा हम यहां पर अलग अलग बना देते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में क्या किया गया है, जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पूरे कॉलम को इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें 100 भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए हैं इसमें, 100 भाग कर दिए गए हैं, यानी कि यहां पर क्या इसके 100 भाग होंगे, बीच में 100 भाग होंगे। डिग्री सेल्सियस में क्या है आपके, बीच में 100 भाग इसमें होंगे। वहीं पर हम बात करते हैं डिग्री फारेनहाइट की, तो फारेनहाइट में क्या किया गया है, इसमें सबसे नीचे आपका रखा गया है 0 डिग्री को, हम लोग यहां पे क्या माना गया है 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि 32 डिग्री पर क्या होगा, पानी आपका फ्रीज कर जाएगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या आपका है, यहां पर ध्यान रखिएगा 212 डिग्री फारेनहाइट, और इसको जो है 180 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें किया गया है, 180 भागों में, 180 भाग में पूरे स्केल को डिवाइड कर दिया गया है फारेनहाइट में, इसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर आप देखेंगे आपका जो केल्विन है, तो केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है आपका 273 डिग्री केल्विन है, और जो इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 क्या है आपका डिग्री केल्विन है, और इसको 100 भागों में डिवाइड किया गया है, 100 पार्ट इक्वल पार्ट में क्या किया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है, 100 इक्वल पार्ट में इसको क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, 100 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक और जो मैंने आपको बताया वो कौन सा आपका है, र्यूमर। इसमें क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसने क्या किया है र्यूमर में, इन्होंने 0R और यहां पर 80R, और बीच में इन्होंने 80 कॉलम किए हैं। कितने कॉलम किए हैं, 80 कॉलम किए हैं। ये प्रचलन में नहीं है, ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपको अगर पूछ लेता है तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो हमारे पास एक हो गया आपका सेल्सियस, एक आपका हो गया फारेनहाइट, एक आपका हो गया केल्विन, और एक आपका क्या हो गया, र्यूमर हो गया। चार प्रकार के आपके पास हो गए। यहां पर आप देखेंगे ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपके क्या है, सभी हिमांक है, यानी कि आपके फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये आपके क्या है यहां पर, गलनांक है, सॉरी क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब यहां पे आपका सारे बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके क्या है सब क्वथनांक है, ये क्या है आपके क्वथनांक है, हिमांक और क्वथनांक। इस पर पानी बॉयल कर जाएगा और इस पर पानी क्या हो जाएगा आपका, फ्रीज कर जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चार प्रकार के हमारे पास क्या है, तापमान को मापने के लिए अलग अलग स्केल है। अब इसमें अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि इन चारों में रिलेशन क्या हो सकता है, अगर हमको किसी एक का दिया हो या दो का दिया हो तो हम दूसरे का कैसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, कैसे हम कंपेरिजन कर सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे। यहां पर एक निकालते हैं, इसका फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है जो आपके एग्जाम में पूछा सकता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। सी अपॉन, ये सी मतलब यहां पे क्या है, सेल्सियस है, सी फिर नीचे वाला माइनस जीरो बटे जितने भाग होते हैं इसमें, 100 हो गया, बराबर एफ माइनस 32 बटे जितने इसमें क्या है आपके भाग हैं, कितने भाग हैं, 180 भाग हैं। इसके बाद 273 सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर, के माइनस 273 बटे कितने भाग हैं यहां पर, 100 भाग हैं, बराबर आर माइनस 0 बटे कितने यहां पर हैं आपके, 80 भाग हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे जो सेल्सियस है, फिर इसका हिमांक, फिर नीचे जितने भाग है उसको लिख लिया,
फिर यहां पर फारेनहाइट जितने यहां पे इसका हिमांक है नीचे वाला उसको लिख लिया, बाकी जितने पार्ट हैं उसको लिख लिया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनमें एक रिलेशन बना दिया। तो इस रिलेशन को हमको समझना है कि ये रिलेशन कैसे आया है, इसको आपको ध्यान रख लीजिए। सी माइनस जीरो अपान 100, एफ माइनस 32 अपान 180, के माइनस 73 बटे 100, आर माइनस 0 बटे 80। अब यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आएगा, अगर हम इसको मान लो 20 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे 5 हो जाएगा, यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा और बाकी तो सेम ही रहेगा। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूला बनाते हैं, इन दोनों में अगर हम रिलेशन दिखाएं, इन चारों में रिलेशन दिखाएं, तो क्या निकल के आएगा यहां पर, सी माइनस, या इसको जीरो है तो जीरो चला जाएगा, कुछ कहना ही नहीं है इसमें, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9 बराबर के माइनस 273 बटे 5 बराबर आर बटे 4। ये फार्मूला आपका निकल करके आ गया, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। मोस्टली जो रिलेशन पूछा जाता है आपका वो सेल्सियस और पूछा जाता है आपके फारेनहाइट में, तो सी अपान 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9, ये फार्मूला आपको याद रखना है, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। यहां से एक क्वेश्चन दो बार आपका बीपीएससी में आया हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है। एक आया है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, तो अगर आप इसको प्रूफ करेंगे तब भी निकल आएगा, तो ध्यान रखिएगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि माइनस 40 पर दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी, समान होती है। माइनस 40 डिग्री पर क्या हो जाता है, दोनों की वैल्यू समान होती है। और अगर पूछ लिया जाए कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट कितना होगा, तो 104 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आपको याद रखना है कि माइनस 40 पे अगर तापमान है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 40 माइनस 40 पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सेल्सियस में 40 डिग्री है तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो 104 डिग्री फारेनहाइट होगा। अगर आप प्रूफ करना है तो यहां पर रख करके आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसको आपको ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपसे पूछ लेता है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारी बॉडी का तापमान पूछा जाए, शरीर का जो तापमान होता है, ह्यूमन बॉडी का तापमान, तो आप बताएंगे 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कहीं कहीं पर इसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस भी क्या करते हैं, बोल देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी हो जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू जो हो जाती है आपकी, किसमें, फारेनहाइट में बात करता है तो कितनी हो जाएगी इसकी, 98 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। डिग्री फारेनहाइट इसको हम मान लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम ये हमारा क्या है, ये हमारे शरीर का तापमान है। अगर हमारे कमरे का तापमान पूछ ले, कमरे का तापमान, तो ध्यान रखिएगा हमारे कमरे का तापमान जो है वो लगभग 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कमरे का तापमान कितना होता है, लगभग 25 डिग्री से क्या होता है, 27 डिग्री के आसपास होता है। तो ये फारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर हो गई। अब बात आते हैं कि तापमान, जो तापमापी होती है, हीट को किसमें नापा जाता है और तापमान को किसमें नापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि हीट को किसमें नापते हैं हम लोग,
हीट को हम लोग नापते हैं कैलोरी मीटर में, कैलोरी मीटर में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। कैलोरी मीटर जो होता है मेटल का बना होता है। कैलोरी मीटर में क्या करते हैं आपका, हीट को, ऊष्मा को नापा जाता है, और टेम्परेचर को, टेम्परेचर को हम किसमें नापते हैं, तो हम तापमापी में मापते हैं, तापमापी में मापा जाता है, यानी कि थर्मामीटर में मापते हैं, थर्मामीटर में मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, तापमान को हम किसमें नापते हैं, तापमापी में, और हीट को किसमें नापते हैं हम लोग, कैलोरी मीटर में मापते हैं। ये चीजें आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब बताते हैं कि तापमापी जो हम बनाते हैं, थर्मामीटर जो बनाते हैं, वो कितने तरह की हो सकती हैं। तब टेम्परेचर मापने का हमारा जो सिस्टम है वो कितने तरह का हो सकता है, तो तापमापी मुख्य रूप से जो होती हैं, एक होती है आपकी कौन सी, लिक्विड थर्मामीटर, जो उसमें हम द्रव भरते हैं। एक होता है हमारा गैस थर्मामीटर, एक हमारा होता है प्लेटिनम का बना हुआ थर्मामीटर, एक हमारा होता है जो हम लोग क्या कहते हैं कि हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पूर्ण विकिरण थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग पायरोमीटर कह देते हैं, और आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। तो बेसिक रूप से देखा जाए, तापमापी हमारे पास मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो तापमापी होती हैं, एक कौन सी आपकी होती है, ध्यान रखिएगा, एक होती है आपकी द्रव तापमापी, द्रव तापमापी होती है, जिसको कहा जाता है लिक्विड, लिक्विड थर्मामीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विड थर्मामीटर कहते हैं। अब जो लिक्विड थर्मामीटर है, ध्यान रखिएगा, इसमें हम क्या भरते हैं, लिक्विड भरते हैं, और इसमें दो तरह के लिक्विड हम भरते हैं, एक हम भरते हैं मरकरी, पारा भरा जाता है, एक में हम क्या भरते हैं, पारा भरते हैं, और एक में हम भरते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल और पारा के बने हुए हमारे पास क्या होते हैं, थर्मामीटर होते हैं। एल्कोहल थर्मामीटर हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, वहां पर हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, एल्कोहल के थर्मामीटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, 100 के ऊपर होता है लगभग, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत देर में जमता है, द्रव तापमापी हो जाता है। दूसरा आपका क्या होता है, गैस तापमापी, गैस तापमापी, गैस तापमापी जो होता है, ध्यान रखिएगा, गैस तापमापी जो होता है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से गैस का उपयोग करते हैं, और दो प्रकार की गैस का हम लोग यहां पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, दो प्रकार के हम लोग गैस का यहां पर उपयोग करते हैं। एक हमारी जो गैस होती है वो आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस तापमापी, और एक होती है आपकी नाइट्रोजन गैस तापमापी। दोनों का हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए हाई टेम्परेचर या उस लिए यूज करते हैं, जहां पर नाइट्रोजन क्या होती है, आपकी इनर्ट गैस है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो हाफ फिल्ड होता है, तो कोई भी एलिमेंट का जो ऑक्टेट है या तो फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो वो स्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी द्रव माना जाता है, तो बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो मुख्य रूप से हम लोग हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के गैस तापमापी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। द्रव तापमापी का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से डॉक्टरी तापमापी, यानी कि डॉक्टर के जो थर्मामीटर होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो द्रव तापमापी मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, डॉक्टर के द्वारा जो थर्मामीटर यूज किए जाते हैं उसमें हम लोग मरकरी को यूज करते हैं। आजकल तो डॉक्टर के यहाँ पर भी लेजर वाले आ गए हैं। कोरोना काल में क्या था, किसी को टच नहीं करना था, तो कोरोना काल में क्या हुआ है, मेडिकल साइंस में काफी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रीटमेंट करना था, तो उस तरह के हमारे पास डिवाइस काफी डेवलप हुए हैं। कोरोना काल में रोबोटिक्स का काफी विकास हुआ है, और
नॉन कॉन्टैक्ट जो सर्विसेज हैं, जैसे आपका लेजर से टेम्परेचर नाप लेना, इन सब का काफी विकास हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है। तो इसमें भारत ने भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। ये सब चीजें हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, जब टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। तो एक गैस तापमापी हो जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गैस तापमापी के बाद प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी होता है। जरा क्या होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होता है ये -200 से लेकर के लगभग 1000 से ऊपर तक के तापमान को मापने में सक्षम होता है। यानी कि अति निम्न तापमान से उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का उपयोग करते हैं। लगभग -200 डिग्री सेल्सियस लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हम क्या करते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से माप लेते हैं। और एक हमारा होता है पायरोमीटर, जो सभी ने पढ़ा है। पायरोमीटर से क्या करते हैं कि हम जो हमारे सोलर सिस्टम के जो हॉट जो स्टार हैं या जो हॉट प्लैनेट्स हैं उनके तापमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा हो गया, द्रव तापमापी। दूसरा कौन सा हो गया आपका, गैस तापमापी। तीसरा आपका क्या हो गया, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। और चौथा होता है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी। चौथा मैं यहां लिख दे रहा हूं, चौथा कौन सा होता है आपका, फोर्थ कौन सा आपका होता है, पूर्ण विकिरण तापमापी होता है। टोटल रेडिएशन थर्मामीटर होता है, और इसी में हम लोग इसको पायरोमीटर कहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उच्च तापमान वाले खगोलीय पिंडों का हम क्या करते हैं यहां पर, उसकी तापमान को नापने का, सूर्य के तापमान को नापने के लिए या जो और प्लैनेट्स हैं उनको नापने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी का उपयोग करते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर सूर्य के तापों की माप करते हैं। और ये जो होता है स्टीफेंस के तापीय नियम पर आधारित होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, स्टीफेंस के तापीय नियम पर आधारित होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सन के टेम्परेचर को मापते हैं, सन के तापमान को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का उपयोग किया जाता है। हम लोग इसके लिए क्या उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम लोग स्टीफन के नियम पे जो है इसको बनाया गया है, क्योंकि इसको आपको ध्यान रखना है, स्टीफन के नियम बनाया गया है, जो आपका क्या होता है, ईटा टी टू पावर क्या होता है आपका, 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम पढ़ेंगे आगे कि स्टीफन का नियम क्या है, आगे आएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हीट हम लोग नापते हैं कैलोरीमीटर से, जबकि तापमान नापते हैं हम लोग किससे, तापमापी से नापा जाता है। ये आपका द्रव तापमापी, गैस तापमापी, और आपका क्या है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, और आपका पूर्ण विकिरण तापमापी। ये चार प्रकार के थर्मामीटर का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब यहां पर एक टर्म और सुना होगा आप लोगों ने, परम शून्य ताप की बात कही सुनी होगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात सुनी होगी। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है, ये आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कई बार आपने सुना होगा परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, ये होता क्या है, परम शून्य ताप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी मटेरियल हैं, चाहे कोई सॉलिड हो, चाहे कोई लिक्विड हो या कोई गैस हो, जिस तापमान पर पदार्थों का दाब शून्य हो जाता है,
प्रेशर क्या हो जाता है, जब जीरो हो जाता है, उस तापमान को क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि पदार्थों के दाब को घटाते जाइए, दाब घटते 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 जब किसी पदार्थ का दाब जीरो हो जाए, तो जब जिस तापमान पे पदार्थों के दाब शून्य हो जाते हैं, उस तापमान को कहा जाता है परम शून्य ताप। तो वो कहां पे आके जीरो होगा, किस तापमान पे आके जीरो होगा, यही आपको समझना है। तो समझिए इस चीज को यहां पर। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ये मान लीजिए किसका ग्राफ है, ये मान लो आपका ग्राफ है प्रेशर का, और ये मान लो किसका आपका है टेम्परेचर का। ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस, और हम मान लेते हैं कि ये क्या है आपका, इधर आप जाएंगे तो प्रेशर आपका घटता चला जाएगा। तो अब यहां पर देखिएगा कि सभी पदार्थ, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, एक पॉइंट पर आने के बाद यहां पर क्या हो जाएंगे, सभी पदार्थ क्या हो जाए, यहां पर जीरो हो जाए, इस तरह से। ये ऐसे कोई भी पदार्थ है, यहां पर क्या है आपका, ये प्रेशर जीरो मान लीजिए, यहां पर क्या है, प्रेशर जीरो है। तो ये यहां पे जीरो है तो माइनस में होगा, तो ये जो टेम्परेचर है ये कितना है आपका, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम, इससे आपको समझ में आ जाए। ये टेम्परेचर कितना यहां पर है, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये यहां पर प्रेशर क्या है आपका, जीरो है। तो किसी भी पदार्थ का, मान लो पदार्थ कोई भी हो सकते हैं, घटते 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 इनका प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो गया। तो जिस तापमान पर पदार्थों के प्रेशर जीरो हो जाता है, उस तापमान को क्या कहा जाता है आपका, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ का तापमान, परम शून्य तापमान वह तापमान होता है जिस तापमान पर किसी भी पदार्थ का दाब शून्य हो जाए, और वो दाब को कितना टेम्परेचर है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस है। इसको नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपसे पूछा भी जाता है। एक संभव न्यूनतम तापमान जहां दाब शून्य हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक संभव न्यूनतम तापमान जहां दाब क्या हो जाता है, जहां दाब शून्य हो जाता है, जहां शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहलाता है। और ये क्या होता है आपका, जीरो केल्विन बराबर माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के होता है, ये आपका क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि जिस तापमान पर क्या हो जाता है, सभी पदार्थों का प्रेशर जीरो हो जाए, वे आपका उस तापमान को क्या कहते हैं, हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। और लगभग सभी पदार्थों का परम शून्य ताप क्या होता है, यही होता है। हर पदार्थ का प्रेशर जीरो कब होता है, तो इसी पे होता है। ध्यान रखिएगा, सभी पदार्थों का दाब, लगभग सभी पदार्थों का दाब शून्य इसी तापमान पर होता है, इसी तापमान पर होता है, ये ध्यान रखिएगा, कहां पर होता है, इसी तापमान पर होता है।
सभी पदार्थों का दाब शून्य कब होता है? इसी तापमान पर होता है, इसीलिए सभी पदार्थों का जो परम शून्य ताप होता है वो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब यहां पर हम लोग को कुछ बात करनी है कि जो आपके टेम्परेचर होता है, जो आपका तापमान होता है वो किस प्रकार, सॉरी जो हीट होती है, वो हीट जो होती है वो किस प्रकार की होती है, हीट कितने प्रकार के होते हैं और हीट जो होती है वो करती क्या क्या है। तो आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर हीट के, ऊष्मा के प्रकार के बारे में, ऊष्मा के प्रकार। टाइप ऑफ हीट, तो ऊष्मा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कह देते हैं, और एक हमारा कौन सा होता है ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग कह देते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होती है, इसको ध्यान रखिएगा। गुप्त ऊष्मा होती है और क्या होती है आपकी, एक होती है विशिष्ट ऊष्मा। तो ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने में कार्य करती है, किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने में जो भाग लेती है वो कहलाती है आपकी, कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और जो अवस्था में परिवर्तन करता है वो कहलाता है आपका लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का काम है अवस्था में परिवर्तन करना, बर्फ से पानी बनाने में जो हीट काम आएगी वो कहलाएगी आपकी गुप्त ऊष्मा, और 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जो पानी का तापमान बढ़ाने में जो हीट काम आएगी वो कहलाएगी आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिक हीट हमेशा पदार्थ के तापमान को बढ़ाने में मदद करती है, टेक पार्ट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, व्हाइल लेटेंट हीट टेक पार्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? लेटेंट हीट करता है, जबकि पदार्थ के तापमान को बढ़ाने का काम कौन करता है? स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा करती है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, विद एग्जांपल आपको समझना है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या करती है, तापमान बढ़ाने में, तापमान को या तापमान में वृद्धि करती है, तापमान में वृद्धि करती है, ध्यान रखिएगा ये क्या करती है, हमेशा तापमान में वृद्धि करती है, और ये क्या करती है, हमेशा अवस्था में परिवर्तन करता है, अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है, चेंज इन द स्टेट, ये क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए यहां पर तो आप बता सकते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ किस पे होती है, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ये क्या बना देना, जल बना देना, तो जल का तापमान भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि तापमान में अंतर नहीं आया है, बर्फ भी थी 0 डिग्री पे और पानी भी क्या है आपका 0 डिग्री पे है, लेकिन बर्फ से क्या बन गया है, पानी बन गया है। तो बर्फ से पानी बनाने के लिए हमने क्या दिया, जो हीट दिया है वो कौन सी हीट है, यहां पर लेटेंट हीट है। एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जल है, जल है, जल है 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमने क्या किया यहां पर, इसका भाप बना दिया, क्या बना दिया, भाप, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया, भाप बन गया।
तो अब देखेंगे जल को हमने हीट दिया, उस हीट ने क्या किया, तापमान नहीं बढ़ाया, उसने क्या कर दिया, जल को भाप में बना दिया। तो बर्फ से जल का बना देना, जल से भाप को बना देना, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं करना, इस प्रकार की हीट को हम लोग क्या कह देते हैं, गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं। वहीं पर जो तापमान वृद्धि कर देता है वो क्या कहलाती है, आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। कैसे, देखिए यहां पर, जैसे मान लो यहां पर जल है, जल का तापमान कितना है यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जल को हमने क्या किया, जल ही रखा, लेकिन तापमान कितना हो गया यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, अब आप देखिए अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है, जल था लेकिन जल ही है, लेकिन तापमान कितना हो गया 0 से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की ऊष्मा को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक हीट कह देते हैं, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कह देते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, अभी आगे इसको और डायग्राम समझाएंगे तो एक चीज समय आपको और आएगी कि कितनी कितनी हीट जो है हमको वहां पर लेटेंट हीट, बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी लेटेंट जरूरत होती है, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी को गर्म करने में कितने हमको जो है वो कैलोरी की स्पेसिफिक हीट की आवश्यकता होती है। ये सब चीजें आपको अभी डायग्राम समझ में आएंगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऊष्माएं दो प्रकार की होती हैं, स्पेसिफिक हीट और कौन सी होती है, गुप्त ऊष्मा, जो तापमान वृद्धि कर दे वो कहलाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट, जो आपके क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाएगी आपकी, गुप्त ऊष्मा कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, बर्फ की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस जल के पास ऊष्मा ज्यादा होती है, वही 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर हीट की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वो मात्रा अवस्था में परिवर्तन कर लिया है, ताप में परिवर्तन नहीं किया है। इसीलिए भाप से जलने पर हमको ज्यादा पीड़ा होती है, हमको ज्यादा दर्द होता है, जबकि उसी तापमान पे पानी से जलने से उतना जलन हमको नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसी तापमान पर भाप के पास ऊष्मा ज्यादा है, और वो ऊष्मा किस रूप में है, वो ऊष्मा आपकी छुपी हुई ऊष्मा में है, लेटेंट हीट में है, वो आपको तापमान के रूप में नहीं दिखेगी, लेकिन यहां पर क्या है, आपको वो तापमान में बढ़ते हुए आपको क्या होगा, दिखाई देगा, बढ़ते हुए क्या होगा, दिखाई देगा। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है, सपोज करिए कि यहां पर क्या है, एक बर्फ है, बर्फ से हमने क्या बना दिया, जल बना दिया, क्या बना दिया, जल। यहां पे कितना है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस है, जल भी क्या है आपका, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है। जल से हमने यहां पर क्या किया है, क्या बना दिया, जल ही बनाया, लेकिन तापमान कितना हो गया यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमने क्या किया, जल से क्या बना दिया, भाप बना दिया, और इसका तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर जो हमने हीट दी है वो कौन सी है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट है, कौन सी है, स्पेसिफिक हीट है, और ये यहां पर कौन सी आपकी है, ये आपकी लेटेंट हीट है। तो यहां पर जो हम देंगे, यहां पर हमने अवस्था परिवर्तन किया है, तो यहां पर आपका लेटेंट हीट आ जाएगा, क्या जाएगा, यहां पर लेटेंट हीट आया है। अब यहां पर हमने तापमान बढ़ाया है, तो यहां पर आपका क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट आ गया। फिर हमने यहां पर क्या किया, अवस्था में परिवर्तन किया है, तो यहां पे क्या जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगा, क्या जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगा। तो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, और फिर क्या हो गया यहां पे आपका, लेटेंट हीट हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बर्फ से पानी बनाने में हम क्या यूज करते हैं, गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पानी में करने के लिए हमको स्पेसिफिक हीट का उपयोग किया जाता है। फिर हमको 100 डिग्री सेल्सियस पे जल से भाप बनाने में हम क्या करते हैं, फिर से लेटेंट हीट का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है,
तापमान में वृद्धि, यहां पे क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, यहां पर भी क्या हो रहा है, अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप यहां पर चीजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर क्या है आपका, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो पानी जो होता है उसको इस तरह से आपको यहां पर समझना है। अब जो पानी होता है, ध्यान रखिएगा, पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, और आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पानी का क्या होता है, कम होता है। ये भी चीज आपको यहां पर याद होनी चाहिए। जल जो होता है, जो जल होता है, यहां पे पूछा सकता है जल का घनत्व सर्वाधिक, जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक कब होता है आपका, तो आप बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। और जल का आयतन सबसे जो कम होता है, सबसे कम होता है वो भी क्या होता है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसको आपको ध्यान रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आपका। अब मान लो कि जल है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आप क्या करें, कहां से लेके जा रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे। जल कहां से ले जाएंगे आपका, 4 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे। फिर आप आगे क्या करेंगे, जल का तापमान और बढ़ा देंगे, मान लो कितना कर दिया आपने, 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ध्यान रखेंगे 0 से 4 तक जब ले जाएंगे तो क्या होगा, जल का जो घनत्व है वो क्या होगा, घनत्व क्या, अगर आयतन बढ़ रहा है तो क्या हो जाए, आयतन कम हो रहा है तो क्या होगा, घनत्व क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, घटेगा। सबसे कम आयतन कहां पर होता है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। 4 डिग्री पे क्या है, सबसे कम क्या होता है इसका, घनत्व होता है। तो 0 से 4 डिग्री पे क्या होगा आपका, आयतन घटेगा और क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। 4 डिग्री के बाद जब ऊपर जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, फिर से आयतन क्या होगा आपका, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और घनत्व क्या होगा यहां पर आपका, घटना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तापमान पर जो है आपका जल का घनत्व किस तापमान पे सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री पर। और जल का आयतन सबसे कम कब होता है, तो आप क्या बताएंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जल का आयतन सबसे कम होता है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आयतन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा आपका, घटना शुरू हो जाएगा। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। और ध्यान रखिएगा कि जल की अपेक्षा जो बर्फ होती है, जैसे क्या करेंगे आप, जब आप क्या करेंगे, 0 से और कम जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ का जो आयतन होता है वो हमेशा क्या होगा, जल के आयतन से क्या होता है, जल का आयतन, बर्फ का आयतन जो है ज्यादा होता है, और बर्फ का आयतन क्या हो जाता है, पानी का आयतन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जबकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। यह भी ध्यान रखिएगा, इससे इसी को क्या कहा जा रहा है आपका, बाकी जो सिस्टम होते हैं, बाकी जो पदार्थ होते हैं उनका एक अलग नियम है, पानी का एक अलग नियम है। पानी में क्या है कि और अधिक उसका तापमान हम कम करते हैं तो बर्फ जब बना देते हैं, अवस्था परिवर्तन कर देते हैं, बाकी जो ठोस होते हैं, बाकी पदार्थों के जो ठोस होते हैं उनका घनत्व उनके द्रव से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। पानी में क्या हो जाता है, एक असंगति आ जाती है,
एनोमैलस बिहेवियर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जब पानी ठोस होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका जो घनत्व है वो घट जाता है। ये केवल और केवल पानी के साथ ही होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि बर्फ जो होती है, बर्फ का घनत्व जल से कम तथा बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है। जल से क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए ठंडे प्रदेशों में जो पानी के पाइप वगैरह होते हैं वे क्या होते, फट जाते हैं, क्योंकि बर्फ क्या होगी, जब बर्फ जमती है तो आयतन बढ़ जाएगा, और जो प्लास्टिक के पाइप वगैरह होंगे उसमें जब आयतन बढ़ेगा तो बर्फ फैलेगा, तो जब फैलेगा तो पाइप क्या हो जाएगी, उस पर लगेगा प्रेशर और पानी के पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ये आपने महसूस किया होगा या कहीं पढ़ा होगा कि ठंड के मौसम में या शीत वाले प्रदेशों में जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, तापमान कम होता है, वहां पे पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि बर्फ जमने से बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। एक जो आपने देखी होगी, बहुत महसूस की होगी कि, या कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्या कारण है कि झीलों के ऊपर क्या होता है कि बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका कारण क्या है कि जो झील की जो सराउंडिंग है, झील की जो सराउंडिंग होती है उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, और पानी की जो होती है स्पेसिफिक हीट वो सबसे ज्यादा होती है। तो पानी के झील के सराउंडिंग की वजह से झील का जो ऊपरी सतह है उसका तापमान बहुत कम हो जाता है और वो बर्फ जम जाती है। वहां पे क्या बन गई? बर्फ जम गई। लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो बर्फ वो काम करती है, एक प्रकार से इंसुलेटर का काम करती है, और वो क्या करती है, नीचे के पानी को गर्म कर ठंडा करने में रोक लेती है। कि बर्फ क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर होता है। आपने सुना भी होगा कि जो साइबेरिया में रहते हैं या जो नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में रहते हैं, इग्लू जो बनाते हैं, जो स्कीमोज होते हैं, उनके घर बर्फ के बने होते हैं। तो बर्फ का घर बना लिया है तो अंदर क्या होगी, उसके अंदर अब हीट न बाहर जाएगी न अंदर आएगी, क्योंकि वो एक प्रकार से इंसुलेटर होता है। तो जब एक बर्फ की लेयर ऊपर बन जाती है तो नीचे के पानी का तापमान क्या हो जाता है कि कम होता है, और नीचे का पानी क्या है, तापमान ज्यादा है, और ऊपर बर्फ जम गई है, तो नीचे क्या होता है कि पूरा पानी जमा रहता है, वो बर्फ में नहीं बन पाता है, केवल ऊपरी लेयर में ही बर्फ जम पाती है। इसीलिए बर्फ की लेयर के नीचे पानी होने की वजह से वहां के जो जंतु होते हैं, जो मछलियां हैं, वो जीवित रह पाती हैं। इसको एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, पानी में जो विसंगति होती है तापमान की, इसको कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि सराउंडिंग का तापमान कम होने की वजह से झीलों के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो एक काम करती है इंसुलेटर का, और वो पानी को नीचे जमने से रोके रहती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि क्योंकि पानी का घनत्व तो क्या हो गया है, बर्फ घनत्व तो कम होता है, वो उस पर तैरती रहती है, और नीचे का पानी जो है क्या होता है, वो उतना कम हीट नहीं पाता है और वो पानी के रूप में बना रहता है, जिससे मछलियां वगैरह क्या होती है वहां पर जिंदा रहती है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है, और बर्फ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, हमेशा जल से अधिक होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है और पूछा भी गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात आती है कि पानी जो होती है उसका हिमांक और उसका क्वथनांक क्या होता है और किन किन चीजों पर निर्भर करता है, आपसे पूछ लेता है। जल का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, जल का हिमांक जिसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जिस तापमान पर पानी जो है ठोस हो जाता है,
जिस तापमान पर पानी ठोस हो जाता है यानी कि बर्फ बन जाता है, उस तापमान को क्या कहा जाता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो देखा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन पर क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। तो ये क्या है, तापमान है, यही क्या है आपके, इसको कह देते हैं हम लोग हिमांक। जिस तापमान पे क्या हो जाता है, पानी जम जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसका हिमांक कह देते हैं। तो इस तापमान पे क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। और अगर बर्फ में, या इसी को क्या कह देंगे हम लोग, गलनांक भी कह देंगे, कि क्या होगा, बर्फ क्या हो जाती है, पिघलने लगती है, बर्फ क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी, हिमांक, या इसको गलनांक कह देंगे, इसको गलनांक भी कह सकते हैं। बर्फ जल का क्या है, बर्फ का गलनांक भी यही होता है, बर्फ का क्या होता है आपका, यहां पर गलनांक होता है। जिस तापमान पे क्या हो, बर्फ पिघल जाए, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, उसका हिमांक या गलनांक कहते हैं। अब यहां पर पूछ लिया जाता है कि अगर हम बर्फ में कोई इंप्योरिटी मिला देते हैं, अशुद्धियां मिला देते हैं, तो अशुद्धियां मिलाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ेगा घटेगा। तो इसे आपने देखा होगा कि जब ठंडे प्रदेशों में जब सड़क पर या कार के ऊपर या सड़क के ऊपर मेनली जब बर्फ जम जाती है, उसमें नमक का छिड़काव करते हैं, तो नमक का छिड़काव करने से क्या हो जाता है कि बर्फ जल्दी क्या हो जाती है, पिघल जाती है और सड़क साफ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि नमक को मिलाने पर क्या हो गया है, उसका जो हिमांक है या उसका जो गलनांक है वो क्या हो गया, पहले से कम हो गया है, वो पहले से क्या हो, कम हो गया, यानी कि अब जल्दी जल्दी क्या हो गई है, बर्फ पिघल जाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकता है। आइसक्रीम वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं, इससे क्या हो जाता है, उसका गलनांक क्या हो जाता है, पहले से बदल जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और एक होता है आपका जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है, जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है, उस तापमान को क्या कहा जाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जिस तापमान पे क्या हो जाता है, पानी उबलने लगता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका 373 डिग्री केल्विन। इस तापमान पे क्या हो जाता है कि आपका पानी उबलने लगता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट का दाब के साथ क्या संबंध है, प्रेशर के साथ क्या संबंध है, दाब के साथ क्या संबंध है, और अगर हम क्या करते हैं, कुछ अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं या हम दाब बढ़ा देते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, और दाब से संबंधित आपका प्रेशर कुकर से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहाड़ों पर जाने पे क्या हो जाएगा, ये चीजें पूछी गई हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपकी क्वथनांक का प्रभाव पर प्रभाव दाब का क्या पड़ेगा। तो वास्तव में क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है कि हम लिक्विड को इतना हीट दे दें कि उसके मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो सिस्टम को छोड़ करके बाहर चले जाएं, और सिस्टम को छोड़ करके जब वो वापस बाहर जाने लगते हैं, वही क्या होते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम क्या करें कि सिस्टम के ऊपर अगर हम प्रेशर लगा दें, तो जितना कम प्रेशर होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतनी जल्दी क्या होंगे, मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको जगह मिल रही है, कोई प्रेशर ही नहीं है। तो तापमान को बढ़ाने पर और प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी बाहर जाएंगे, और जल्दी जल्दी बाहर जाने पे क्या हो जाएगा कि सारा का सारा पानी क्या बन जाएगा, जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम है।
लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो मॉलिक्यूल को हम बाहर जाने न दें तो क्या हो जाएगा, हीट तो मिलेगी लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है, तो वो पानी भाप बनने में देर लगेगी, यानी कि पहले की अपेक्षा अब बॉयलिंग देर में हो रही है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे पानी के भाप बन के बाहर जाने की क्षमता क्या होगी, कम होती चली जाएगी, यानी कि और ज्यादा आपको क्या करना होगा, तापमान देना होगा, तब पानी क्या होगा, भाप बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो पहले 100 पे हो रहा था अब वो 100 से ज्यादा पर होगा, क्योंकि उसको बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि दाब को बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पहले जो 100 पे हो रहा था अब 100 से ज्यादा पे बॉइलिंग होगा। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पे काम करता है। ये करता क्या है प्रेशर कुकर, प्रेशर को बढ़ा देता है जिससे कि पानी के भाप बनने की दर घट जाती है, अब देर में पानी भाप बनेगा और उसके अंदर जो खाना वगैरह रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, उसको हीट ज्यादा मिलेगा और वो पहले पक जाएगी, पानी भाप बाद में बनेगा। पहाड़ों पे जाने पर दाल हमारी क्यों नहीं गलती है, इसलिए नहीं गलती है क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है, हल्की से हमने हीट दी उसको जगह मिल गया और सारे के सारे पानी क्या हो गए, मॉलिक्यूल भाप बन के उड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दाब बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी कि पानी अब देर में भाप बनेगा, और जो देर में भाप बन रहा है उसी देरी को हम यूज करके अपने खाने को पका लेते हैं, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, पहाड़ों पे खाना देर में पकता है। सब किसका सिस्टम है, दाब का सिस्टम है, और इम्प्योरिटी मिलाने पर भी क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि खाली पानी है, आपने हीट दिया, बीच में कुछ है ही नहीं तो बाहर निकल गए, लेकिन जब आपने इम्प्योरिटी मिला दी तो अब जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उस इम्प्योरिटी से टकराएंगे, उनको बाहर जाने के लिए क्या होगा, अब समय लगेगा, इसलिए वो जल्दी भाप नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि दाब और शुद्धियां दोनों क्या करती हैं, मिलाने पर बढ़ाने पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो दाब और शुद्धियां क्या हो जाएंगी, दाब और शुद्धियां क्या कर देती हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसका मतलब क्या है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। पहाड़ों पे दाल नहीं गलती है बिना प्रेशर कुकर के, क्योंकि वहां पर क्या है, दाब कम है, वहां पर क्या है, दाब कम होता है, दाब क्या है, कम होता है, दाब कम होता है, इसीलिए वहां पर क्या है, खाना जल्दी नहीं पकता है, क्योंकि वहां पर पानी जल्दी से बॉयल हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, जल्दी से बॉयल हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो जल का क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहा जाता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है आपका ट्रिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। तो किस प्रेशर पर जो है ये ट्रिक पॉइंट मिलेगा और वहां पर तापमान कितना होता है, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ये मान लो आपका प्रेशर है, ये क्या आपका टेम्परेचर है, सॉलिड, लिक्विड और आपका क्या है, गैस है ये, और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है आपका, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पर क्या है आपका प्रेशर है, 0.01 डिग्री सेल्सियस,
0.06 पास्कल का आपका क्या होता है यहाँ पर प्रेशर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है क्या कहलाता है आपका, त्रिक पॉइंट कहलाता है, त्रिक बिंदु, जिस तापमान पर पानी ठोस द्रव और गैस तीनों समूह पाया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिपल पॉइंट कह देते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा जरा, इसके ऊपर बना लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है पॉइंट। एक मिनट इसको थोड़ा सा पॉइंट 0.06 ये होता है और 0.01 डिग्री सेल्सियस ये पास्कल में होता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट। ये जो एरिया है सॉलिड का है, ये लिक्विड का, ये कौन सा आपका है गैस एरिया। तो नोट कर लीजिए इसमें क्या लिखेंगे, ताप एवं दाब का वह बिंदु जिस पर जल ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है आपका, ये आपका त्रिक बिंदु कहलाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे क्यों ध्यान रखनी है, त्रिक बिंदु के बाद पानी जो होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था यहां पर कि सपोज करिए कि हमको क्या करना है, ये मान लीजिए आपका यहां से हम चलते हैं, मान लो यहां पे -5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, यहां से हम चलते हैं यहां तक और ये मान लीजिए कितना आपका है 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, यहां तक हम आते हैं, यहां तक ये जो अवस्था बीच की है, यहां ये जो अवस्था आपकी बीच की है, यहां पर आइस और वाटर दोनों की अवस्थाएं हैं। यहां पर केवल क्या था आपका, आइस था, हमने यहां पर तापमान दिया और ये क्या हो गया आपकी आइस वाटर बन गया, यहां तक क्या हो गया आपका जुडिशंस में पानी बन गया। फिर हमने क्या किया कि यहां तक के तापमान को हमने दिया। अब हमने यहां पर क्या, अब ये जो आइस और वाटर जो बन गया है, यहां पे हमने क्या किया कि पानी बर्फ को हमने क्या कर दिया, पानी में काम किया है। तो अब यहां पर -5 से क्या हो गया आपका, हम लाए 0 तक, लेकिन यहां पर इसको भी आप बर्फ मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप, यहां पर बर्फ मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, ये क्या मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, बर्फ मान लीजिए, आइस है। अब हमने क्या किया कि इसको तापमान दिया और अब यहां पर क्या हो गया है, ये पूरी तरह से क्या बन गया, यहां पर आपका वाटर बन गया, यहां पर आइस था, यहां पर क्या हो गया आपका वाटर हो गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस था उसको हमने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, जहां पे जो वाटर है, यहां पर आइस है, यहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है,
फिर हमने क्या किया, यहां से हमने क्या किया, तापमान को बढ़ाया और यहां तक हम कितना ले गए, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए। कितना लेके गए, 100 डिग्री सेल्सियस लेके गए तापमान को। यहां पर क्या है आपका, 100 डिग्री पे वाटर है, यहां पर भी क्या है 100 डिग्री पर क्या है आपका, वाटर है। फिर हमने क्या किया, इसको 100 डिग्री वाटर से हमने क्या बना दिया, इसको स्टीम बना दिया। क्या बना दिया, स्टीम बना दिया। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आपको हीट देते चले जा रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, वाटर से 100 डिग्री वाटर से क्या बना दिया हमने, 100 डिग्री यहां पर स्टीम बना दिया है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो हमने तापमान दिया है ये आपका क्या है, लेटेंट हीट है। यहां पे जो हमने तापमान दिया है ये क्या है आपकी, ये आपकी स्पेसिफिक हीट है। यहां पे जो हमने तापमान दिया है ये कौन सी आपकी है, ये आपकी लेटेंट हीट है। लेकिन लेटेंट हीट कौन सी है, भाप बनने की गुप्त ऊष्मा है। यहां पर क्या है आपकी, बर्फ से जल बनने की गुप्त ऊष्मा है। और यहां पर क्या है, 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री करने के लिए जो हमने क्या दिया, यहां पर स्पेसिफिक हीट दिया है। तो ये जो होती है, ये जो हमने हीट दी है ये 80 कैलोरी होती है। कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। ये जो होती है ये 532 कैलोरी होती है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस को भाप दे बनाने के लिए हमको इतनी कैलोरी चाहिए होती है, इतनी कैलोरी हमको चाहिए होती है अगर हमको पानी से क्या बनाना है, भाप बनाना है। और अगर हमको यहां पर करना है ये हमने जो यहां पर इसको -5 से हमने क्या किया है, अगर हमने क्या किया यहां पर इसको स्पेसिफिक हीट जो हमने यहां पे दिया है ये आपकी होती है 2.1 कैलोरी होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो पानी से, आइस से वाटर बनना 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, इसके बाद वाटर बनना 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद स्टीम बनना 100 डिग्री सेल्सियस का। ये प्रोसेस में आपको अलग अलग प्रकार के यहां पर हीट की हमको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो 532 कैलोरी चाहिए होगी हमको क्या करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए। इसलिए भाप के पास सर्वाधिक ऊष्मा होती है। भाप के पास क्या होती है, सर्वाधिक ऊष्मा होती है। इसीलिए भाप से जलने पर, इसीलिए भाप से जलने पर ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। इसीलिए भाप से जलने पर ज्यादा पीड़ा होती है उसी तापमान के जल से जलने की अपेक्षा, क्योंकि स्टीम के पास क्या है आपकी, गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ चीजें थी जो आपका किसके लिए था, टेम्परेचर संबंधित था और हीट संबंधित था। अब अगर कहा जाए कि हीट जो होती है, स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 14.5 से 15.5 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी कहलाएगी, आपकी स्पेसिफिक हीट कहला देती है। तो उसकी, उसमें नहीं जाते हैं, वो चीज़ें डिटेल में हो जाएंगी। आपको केवल नॉर्मल चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बात आती है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका थर्मल एक्सपेंशन। तापीय प्रसार किसे कहते हैं, तापीय प्रसार इंपॉर्टेंट है। थर्मल एक्सपेंशन जो है आपसे पूछ सकता है, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार। तो ध्यान रखिए, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में अगर आप, किसी भी पदार्थ में अगर आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो उस पदार्थ में क्या होता है, प्रसार होता है। और प्रसार 3 तरह से होता है, उसकी लंबाई में प्रसार होता है, लंबाई में यानी कि L में प्रसार होगा, उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो सकता है यानी कि L स्क्वायर में लंबाई गुणे चौड़ाई में, और उसके क्या हो सकता है,
आयतन में प्रसार हो सकता है, यानी कि एल क्यूब में प्रसार हो सकता है। तो अगर लंबाई प्रसार हुआ है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कहा जाएगा अल्फा, अगर क्षेत्रफल में वो हो रहा है तो उसको एरियल एक्सपेंशन कहा जाएगा बीटा, और अगर आयतन में हुआ तो उसको वॉल्यूमेट्रिक यानी कि उसको गामा कहा जाएगा। तो अल्फा बीटा और गामा तीन प्रकार के प्रसार होते हैं किसी भी मटेरियल में। अगर आप क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें प्रसार होता है, और तापमान कम करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपका कंप्रेशन होगा यानी कि वो सिकुड़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोहे के जो आपके जो पुल बनाए जाते हैं गटर वाले, उनको जोड़ा नहीं जाता है, उनको थोड़ा गैप दे करके रख दिया जाता है कि उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। रेल के जो ट्रैक होते हैं, जो पटरियां होती हैं, उनके बीच में भी क्या करते हैं, गैप दिया जाता है। तो इन सब के पीछे एक रीजन क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होता, थर्मल एक्सपेंशन होता है उनमें तापीय प्रसार होता है। तो तापीय प्रसार तीन तरह के होते हैं और इन तीनों में रिलेशन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक होता है आपका अनुदैर्ध्य एक्सपेंशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, अनुदैर्ध्य एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ जो होता है इसको अल्फा कहा जाता है। चेंज इन लेंथ, तापमान बढ़ाने पे जो लंबाई में वृद्धि हुई है और जो वास्तविक लंबाई थी। दूसरा आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी कि आयतनिक प्रसार जो होता है। इसमें क्या होता है, एरियल जो होता है, एरियल मतलब एरिया जिसमें बढ़ाया गया है, इसको क्या कह देंगे हम लोग, एरियल कह देते हैं, क्षेत्रफल में एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन ए, इसको हम लोग बीटा से कह देते हैं। और एक आपका होता है कौन सा, आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या हो जाता है, इसमें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम बराबर ये आपके गामा हो जाता है। इसमें क्या होता है, केवल एक कंपोनेंट, जैसे मान लो कि लेंथ है तो इसमें केवल लेंथ में एक्सपेंशन हो रहा है, मान लो इतना बढ़ गया। इसमें क्या है, आपका एरिया बढ़ता है, मान लो इसका लंबाई और चौड़ाई है तो लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है, इसमें ए और ए बढ़ गया। इसमें क्या होता है आपका कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और गहराई तीनों बढ़ती हैं, एल एल और एल। तो यहां पर एल होगा, यहां पे एल आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर वी क्यूब हो जाएगा। अब इन तीनों जो रिलेशन होता है वो होता है क्योंकि इसमें क्या है, एक एक्सिस है, इसमें दो एक्सिस, इसमें तीन एक्सिस है, इसमें केवल एक एक्सिस की लंबाई होगी चेंज होगा, इसमें दो एक्सिस होगा। तो अल्फा इज टू टू बीटा इज टू थ्री गामा, ये रिलेशन होता है आपका किसमें, तीनों के एक्सपेंशन में। अल्फा क्योंकि यहां पर क्या है, लंबाई केवल लंबाई है, यहां पर लंबाई चौड़ाई दो कंपोनेंट आ गए, यहां पर लंबाई चौड़ाई गहराई तीन कंपोनेंट आ गए हैं, तो हमेशा क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन में ये रिलेशन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। थर्मल एक्सपेंशन में रिलेशन होता है अल्फा इज टू टू बीटा इज टू थ्री गामा, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, आपके थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूले से चीजें निकल के आती हैं और ये आपसे यहां पर पूछा जाएगा। अब थर्मल स्ट्रेस की बात अगर की जाए कि थर्मल स्ट्रेस तापीय जो आपका जो स्ट्रेस होता है, जो आपका प्रतिबल होता है, वो कैसे काम करता है, थर्मल स्ट्रेस कैसे काम करता है, थर्मल स्ट्रेस तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल। तो आपने प्रतिबल के बारे में पहले से पढ़ रखा है यहां पर कि क्या हो जाता है, आपके
हम इधर एल अपॉन डेल्टा एल की बात कर लेते हैं, यहां पर ये हो जाता है। और आपने पढ़ा है एफ जो होता है वो क्या होता है आपके, फोर्स अपॉन ये होता है, और ये होता है किसके बराबर होता है, आपने पढ़ रखा है एफ बराबर वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी हो जाता है, यही तो हो जाता है। तो अब यहां पर देखेंगे अगर एफ बराबर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर वाई ए म्यू डेल्टा टी हो जाता है, ये रिलेशन निकल के यहां पे आ जाता है थर्मल एक्सपेंशन का वाई ए म्यू डेल्टा टी हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपसे यहां पर पूछा जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस में ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि तापीय प्रतिबल का फार्मूला क्या हो जाता है, तापीय प्रतिबल जो होता है स्ट्रेस का वाई ए ईटा डेल्टा टी हो जाता है, जहां डेल्टा टी क्या है चेंज इन आपका क्या हो जाता है आपका यहां पर टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरह से थर्मल स्ट्रेस भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और मेनली जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या होता है आपका, ये चीजें आपसे पूछ जाएंगी तापीय प्रसार कैसे काम करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है तापीय प्रसार जो है वो कैसे काम करता है, क्लियर। अब तापीय प्रसार संबंधित कुछ इसके अनुप्रयोग आपसे पूछ सकता है कि तापीय प्रसार के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा तापीय प्रसार के अनुप्रयोग। तापीय प्रसार के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार के अनुप्रयोग आपसे पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है, और ये कई बार एग्जाम में आपके इससे पहले भी पूछा गया है। कांच की बोतल जो होती है मैं फंसी जो कार को निकालना, कांच की बोतल में, कांच की बोतल में फंसी कार्क को क्या करना, निकालना। एक तो ये निकल के आ जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लो कोई कार, कोई कांच की बोतल है और उसमें क्या हो गया है, एक कॉर्क ढक्कन लगा हुआ है वो निकल नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं बोतल को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसका आयतन बढ़ जाएगा, प्रसार हो जाएगा और वो इजिली क्या हो जाता है निकल आता है। तो कांच की बोतल में फंसी कार को निकालने के लिए क्या करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का उपयोग करते हैं। अगला होता है कि कमरे का जो फर्श होता है, जो नॉर्मल जो कमरे बनते हैं उसमें जो फर्श वगैरह होती है, ध्यान रखिएगा कमरे के फर्श में कांच की पट्टियां लगाना, कांच की क्या लगा देना, पट्टियां लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट का या सीमेंट का जो बना होता है टाइल्स वगैरह का, तो तापमान बढ़ने पे टाइल्स क्या होगी, या जो आपकी जो सीमेंट है वो क्या होगी, फैलेगी, तो फैलेगी तो टूट सकता है, इसलिए क्या करते हैं बीच बीच में कांच की पट्टियां लगा देते, जिससे कि एक्सपेंशन हो तो वो टूटे ना, वो नॉर्मल बना रहे। तो कांच के फर्श में, कमरे के फर्श में कांच की क्या लगा देना, पट्टियां लगा देना, इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है कि विद्युत या टेलीफोन के तारों को, विद्युत या टेलीफोन के तारों को बीच में ढीला कर देना, बीच में ढीला रखना। आप कभी बाहर जाते होंगे, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो तार आते हैं बिजली के वे ढीले होते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि दो पोल के बीच का जो तार है एकदम तना नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, दो पोल के बीच का जो तार होगा हमेशा कैसा होगा, वो ढीला होगा, ऐसे होगा, ढीला होगा।
तो ढीला होने के पीछे कारण क्या है कि तापमान बढ़ने पर ये क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा, तो इसको इतना जगह पहले से हो लंबाई की ये अपने आप को बैलेंस कर ले। तो कभी भी इस तरह से नहीं बनाया जाता है, ढीला छोड़ दिया जाता है। ये भी क्या आपका थर्मल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल। और चौथा, ट्रेन की पटरियों के बीच में गैप जगह छोड़ना, ट्रेन की पटरियों के बीच जगह छोड़ देना, जगह रिक्त रखना, ये क्यों होता है, ये भी आपका थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए ये चीजें आपकी की जाती हैं। तो ये आपके क्या है, कुछ तापीय प्रसार के अनुप्रयोग हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा। अब बताते हैं यहां पर कि जो आपकी हीट होती है ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण की बात करेंगे और किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर की हम लोग बात करेंगे, हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण। तो हम सभी जानते हैं कि ऊष्मा जो होती है हमेशा उच्च तापमान से कहां जाती है, निम्न तापमान की ओर जाती है। ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जो होती है हमेशा क्या होती है, हाई टेम्परेचर से कहां जाती है, लो टेम्परेचर की ओर जाती है। ये हमको पहले से पता है। हीट जो ट्रांसफर होते हैं वो तीन विधियों से मुख्य रूप से होते हैं। पहली विधि होती है आपकी संचालन, इसको कंडक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कंडक्शन, संचालन। एक विधि हो जिसको हम लोग कह देते हैं संवहन, कन्वेक्शन कह देते हैं इसको, कन्वेक्शन कह देते हैं। और एक हमारा होता है जिसको हम लोग कह देते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण, जिसको हम लोग कह देते हैं रेडिएशन। ये तीन चीजें हम लोगों को यहां पर समझना है। तो हीट ट्रांसफर के हमारे पास तीन नियम हैं, संचालन, संवहन और कौन सा होता है आपका विकिरण, इसको आपको ध्यान रखना है। संचालन जो होता है ये हमेशा कहां पे होता है, ये हमेशा किसमें होगा, ठोस में होता है। ये हमेशा किसमें होता है, ठोस में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। संवहन जो होता है मुख्य रूप से लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। और जो विकिरण होता है ये लगभग सभी में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तीव्र जो होता है रेडिएशन वो आपका कहां से होता है, वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी भी हॉट बॉडी से निकलेगा और इजिली कहीं भी चला जाएगा। कोई भी हॉट बॉडी होगी, चाहे वो ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वहां से क्या होगी, निकलेगी और कहीं भी चली जाएगी। तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। विकिरण जो होता है हमेशा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, उन वे जो है वो मूव करती हैं हमेशा, और इसको हम लोगों को समझना है, संचालन, संवहन और विकिरण। तो एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहां पर संचालन की। किसकी बात करते हैं यहां पर हम लोग, संचालन की। संचालन इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन। क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन हमेशा कहां पर होता है, ये हमेशा ठोस में होता है। क्या होता है, ठोस में होता है, पहली चीज तो होती है ठोस में होती है। दूसरा, इसमें क्या हो जाता है, पदार्थ के अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता है, पदार्थ के अणुओं का स्थानांतरण
नहीं होता है, केवल 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 ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, केवल ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, पदार्थ के अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मान लीजिए क्या है आपका, कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है। इस चालक के एक तरफ मैंने क्या कर दिया है, यहां पर हमने हीट रख दी है, इसको आग रख दी है यहां पर। अब ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये किसके बने हुए हैं, अणुओं के बने हुए हैं। ये सब किसके बने हुए हैं, पूरा चालक किसका बना हुआ है, अणुओं का बना हुआ है। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि अणु जब गर्म हो जाएंगे, मान लो ये वाला अणु गर्म हो गया, तो ये अणु जब गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले को ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा, खुद नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ऊर्जा को ट्रांसफर कर देगा। ये क्या कर देगा, इसको ऊर्जा दे देगा, ये इसको ऊर्जा दे देगा, ये इसको ऊर्जा दे देगा, ये उसको एनर्जी दे देगा, ये इसको हीट देगा, इसको हीट देगा, इसको हीट देगा, इसको हीट देगा, इसको हीट देगा और इसको हीट देगा। और इसके बाद क्या होगा कि जो लास्ट तक क्या होगा, ये अंत वाले पार्टिकल को क्या करेगा, हीट देता रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, केवल ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो ऐसे ऊष्मा का स्थानांतरण जिसमें केवल और केवल क्या हो, ऊर्जा का स्थानांतरण हो, कभी भी कण का न हो या पार्टिकल का न हो, उसको हम क्या कह देते हैं, संचालन कह देते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, एक लोहे की रॉड को आप आग में रखिए, आप देखेंगे कुछ देर बाद आप जिस तरफ हाथ से पकड़े हुए रॉड को, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो वहां पर ऐसा तो हुआ नहीं कि वो बाहर वाला पार्टिकल आगे वाला पार्टिकल पीछे आ गया हो, ऐसा तो होता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, केवल हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मटेरियल का ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। तो कंडक्शन में ये हमेशा ठोस में होगा, और हमेशा कंडक्टर में मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल हीट का ट्रांसफर होता है। फ्राई पैन वगैरह होता है, देखिए आप क्या करते हैं, फ्राई पैन का हैंडल क्या हो जाता है, उसमें हम नॉन कंडक्टर के हम हैंडल लगाते हैं, जिससे कि क्या हो, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, चालन के थ्रू गर्म होता है। तो चालन में क्या होता है कि हमेशा वस्तुएं क्या हो जाएंगी, बिना मटेरियल के ट्रांसफर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, चीजें गर्म हो जाएंगी। इसमें केवल और केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। तो संचालन की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि केवल और केवल ऊष्मा का प्रवाह, केवल क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, यह आपको ध्यान रखना है। पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, पदार्थ का प्रवाह क्या होता है, इसमें नहीं होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहां पर क्या है, कभी पूछ लेता है कि अगर हम दो कंडक्टर को, अगर हम दो कंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो इनमें जो आपका उसमें ऊष्मा के स्थानांतरण का जो कॉफिशियंट होगा वो कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये T1 है, ये आपका T2 है, T1 हमेशा क्या है, ग्रेटर देन T2 है, ये मान लो आपका K1 है, ये क्या है आपका K2 है। तो अगर हमने इसको लगा दिया है श्रेणी क्रम में, तो इसमें जो ऊष्मा आएगी K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका K1 प्लस K2 होगा, ये ध्यान रखिएगा, K1 प्लस क्या होगा, K2 होगा। और अगर हमने इसको समानांतर क्रम में लगा दिया है, किस में लगा दिया है, समानांतर क्रम में लगाया है, और हम यहां पर इसको क्या कर रहे हैं, K1 है, ये K2 है, ये T1 है, ये T2 है, और हम इसको हीट दे रहे हैं, तो यहां पर 1/K बराबर हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। तो K बराबर क्या जाएगा, यहां पर K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये होगा आपका समानांतर क्रम में,
ये क्या होगा आपका समानांतर क्रम में। तो अगर दो कंडक्टर को अगर हम लगा देते समानांतर क्रम में तो उसका के बराबर क्या होगा के वन के टू अपान के वन प्लस के टू, और अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो इसमें हो जाएगा के वन प्लस क्या हो जाएगा आपका के टू हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें क्या होगा कंडक्शन क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या होगा कंडक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए यहां पर तो यहां पे क्या होगा कंडक्शन इंक्रीज होगा और इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें क्या हो जाएगा कंडक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है वन बाई में हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होता है संचालन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो संचालन हमेशा ठोस में होगा, इसमें केवल हीट का प्रवाह होता है, पदार्थों का प्रवाह नहीं होता है, और ये क्या हो जाता है बहुत कम दूरी तक होगा। जब तक उधर वाली चीज ठंडी हो गर्म हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा फिर वो रुक संचालन बंद हो जाता है। दोनों तरफ का तापमान जब समान हो जाता है संचालन क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, क्योंकि उधर आपका ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है वो है आपका कन्वेक्शन, इसको कहते हैं हम लोग संवहन कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है संवहन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है इसमें ऊष्मा का प्रवाह तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है पदार्थ का भी प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह भी इसमें क्या हो जाता है होता है, पदार्थ का भी क्या होता है इसे प्रवाह होता है। जैसे इस समय ठंड पड़ रही है, आप देखते होंगे कि अगर आप अलाव जलाते हैं तापने के लिए, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो आप पाएंगे कि इसके आसपास जो हीट जा रही है वो क्या कर देती है वो पार्टिकल हीट लेकर के ऊपर जाता है। पार्टिकल क्या होगा जो वायुमंडल में जो पार्टिकल होंगे ये क्या करेंगे हीट को लेकर के क्या होते हैं ऊपर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है आपका हीट का कण जो ऊपर जा करके इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर टेम्परेचर को इनक्रीज करने का काम करते हैं। तो संवहन जो होता है हमेशा ये क्या होगा आपका ये हमेशा द्रव में होगा, और कहां पर होगा गैस में होता है। इसमें ऊष्मा एवं पदार्थ दोनों का प्रवाह होता है, दोनों का प्रवाह होता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ध्यान रखिएगा। तो संवहन के जो एग्जाम्पल हैं वो ध्यान रखिएगा कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं और पृथ्वी के को गर्म कर देती हैं, तो पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो यहाँ से क्या होगा कि पृथ्वी पे समुद्र होंगे, यहाँ पे क्या है समुद्र है, समुद्र भी पानी पड़े सूर्य प्रकाश पड़ेंगे, तो पानी जो होता है यहाँ पर क्या हो जाता है गर्म होकर के भाप के रूप में ऊपर जाता है, भाप के रूप में क्या होगा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद क्या हो जाती है बारिश होती है। तो अधिकांश जो बारिश होती है धरती पर वो किसकी होती है संवहनीय वर्षा होती है। कैसी होती है संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और ये सूर्य से द्वारा आए हुए हीट से पानी का हीट के रूप में भाप को ऊपर ले जाकर के बादल बनाना और फिर वर्षा करना, ये कौन सी होती है आपकी संवहनी वर्षा का एग्जाम्पल होता है। तो अधिकांश जो वर्षा होती है भारत दुनिया में वो कैसी होती है समुद्र में जो वर्षा होती है वो कैसी होगी आपकी वो संवहनी वर्षा होती है।
एक चीज इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो ध्यान रखिएगा, जो आपके लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, दो तरह के जो आपकी ब्रिज होती हैं, इसको हम लोग कह देते हैं स्थल समीर और जल समीर। एक क्या होती है आपकी जल समीर होती है, और एक कौन सी आपकी होती है स्थल समीर। स्थल समीर और जल समीर ये दोनों संवहन की वजह से ही होते हैं। दोनों किसके होते हैं, संवहन की वजह से ही होते हैं। कैसे होते हैं इसको देख लीजिएगा आप। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है, समुद्र है, और ये क्या है मान लीजिए स्थल भाग है। ये स्थल भाग है और ये क्या है आपका मान लीजिए ये समुद्र है। समुद्र जाहिर सी बात इसमें क्या होगा आपका पानी भरा होगा, इसमें क्या भरा होगा ये पानी भरा होगा। अब आपको पता है कि समुद्र में जल होता है, और जल की जो होती है विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। इसकी वजह से जल क्या होते हैं, देर में ठंडे होते हैं, देर में ठंडे होते हैं और देर में गर्म होते हैं। ये जल की विशेषता होती है। जबकि स्थल भाग जो होते हैं वो जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा। अब देखिएगा, मान लीजिए कि दिन का समय है। समय कैसा है आपका, दिन का समय है, सूर्य निकला हुआ है, तो सूर्य की किरणें स्थल पे भी आएंगी और आपका समुद्र भी आएंगी। लेकिन दिन में क्या होगा, सूर्य की किरणें स्थल पे पड़ रही हैं, इसलिए स्थल का तापमान क्या हो जाएगा, दिन के समय स्थल क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। और स्थल की अपेक्षा जो समुद्र है वो क्या होंगे, वो हमेशा ठंडे होंगे, क्योंकि ये देर में गर्म होते हैं। और जब स्थल भाग आपका गर्म हो जाता है, तो जब स्थल भाग गर्म हो जाएगा यानी कि इसका तापमान क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, घटता है। टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो तापमान बढ़ने पर प्रेशर क्या हो गया, यहां पर घट गया। यहां पर क्या है कि तापमान आपका क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और हवाएं जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से कहां चलती हैं, लो प्रेशर पे चलती हैं। तो दिन में हवाएं कहां से कहां चलेंगी, दिन में जो हवाएं चल रही हैं वे हमेशा समुद्र से कहां चल रही हैं, ये चल रही हैं आपकी स्थल भाग की ओर चल रही हैं। तो जहां से हवाएं आती हैं इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नाम देते हैं, तो ये सी ब्रिज कहलाता है। तो दिन में जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, वो आपकी जल समीर होती हैं। कैसी होती हैं, जल समीर होती हैं। और आप ये भी जानते हो कि अगर मछुआरों को मछली मारने जाना है तो अगर नाव लेकर के जाएंगे और हवा उल्टा चल रही है तो नाव आगे जा ही नहीं पाएगी, इसलिए ये लोग मछली मारने के लिए रात में जाते हैं, दिन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिन में हवा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अब कल्पना कीजिए कि एक हम रात की स्थिति बना लें, तो रात की अगर स्थिति हम बना लेते हैं, सपोज करिए हम रात का बनाते हैं, ये मान लीजिए क्या है आपकी लैंड है, ये मान लीजिए ओशियन है, ये क्या है आपका, ये ओशियन है, ये क्या है आपकी लैंड है, ये क्या है आपका सी है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका रात है। तो अगर रात है तो अब रात में क्या हो गया, आपने को पता है कि बर्फ पानी क्या होगा, देर में ठंडा होगा, तो ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे, तो रात में ये क्या हो गए, कूल हो गए, और ये क्या है आपके हॉट है। तो अगर हॉट है तो टेम्परेचर क्या है यहां पर, ज्यादा है। इसका टेम्परेचर क्या है आपका, कम है। तो अगर इसका टेम्परेचर कम है, इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो हवाएं क्या होंगी, रात में लैंड से कहाँ चलेंगी, समुद्र चलेंगी। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्थल समीर कह देंगे। क्या कह देंगे, स्थल समीर।
तो रात में हवाएं जा रही हैं समुद्र की ओर, इसलिए मछुआरे जो होते हैं वे हमेशा मछली मारने के लिए रात में चलते हैं। कब चलते हैं? रात में चलते हैं, क्योंकि हवा की दिशा और नाव की दिशा क्या है, सेम होती है, और लौटते हैं सुबह दिन में, क्योंकि दिशा क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये सब किस लिए हो रहा होता है? ये सब आपका संवहन की वजह से हो रहा होता है। ये संवहन वजह से क्या होते हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं और नीचे आती हैं। ये किस वजह से हो रहा होता है? तो संवहन की वजह से क्या होती है, स्थल समीर चलते हैं, आपके जल समीर चलते हैं, संवहनी वर्षाएं होती हैं, और जो हम लोग हाथ वगैरह सेकते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल जो गर्म होता है, वो सब संवहनीय ऊष्मा की वजह से होता है, कन्वेक्शनल हीट की वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहां पर आपसे पूछ लेता है यहां पर कि मछुआरों पर इनका प्रभाव इस तरह से पड़ता है। तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कह देते हैं विकिरण। विकिरण यानी कि रेडिएशन, विकिरण यानी कि क्या होता है, आपका रेडिएशन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। विकिरण यानी कि क्या होता है, रेडिएशन। तो रेडिएशन जो होता है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियोवेव। सॉरी, इनको हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ये आपके क्या होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। रेडिएशंस जो होती हैं ये हमेशा क्या हो जाती हैं आपकी, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन, इनको आपको ध्यान में रखना है, इनको चलने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगली ध्यान रखिएगा, इसमें एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हमेशा रेडिएट होती है, ऊर्जा सदैव गर्म पिंड से विकिरित होती है। गर्म पिंड से क्या होती है, विकिरित होती है, रेडिएट फ्रॉम द हॉट बॉडी। ऊष्मा जो होती है क्या होती है, गर्म पिंड से क्या होती है, आपकी विकिरित होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मान लो कोई सिस्टम है, मान लो कोई दीवार है या कोई पार्ट है, इस पर क्या होगा, अगर कोई रेडिएशन आ रहा है तो या तो क्या होगी, यहां से ये परावर्तित हो जाती है, या इसको इसको अंदर चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, या यहीं पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि कोई भी अगर रेज आ रही है तो उसकी तीन चीज हो सकती हैं, परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो सकती है, अपवर्तित हो सकती है, क्या हो सकती है, अपवर्तित हो सकती है या अवशोषित हो सकती है। तीन चीजें होती हैं, अवशोषित हो जाना, अपवर्तित हो जाना या परावर्तित हो जाना, टकरा करके वापस लाना, उस माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना, या उस पिंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना। एब्जॉर्ब हो सकती है, उसको रिफ्लेक्ट कर सकती है, या उसको रिफ्रेक्शन कर सकती है। तीन तरह के काम कर सकती है कोई भी रेडिएशन अगर किसी बॉडी पर पड़ती है, और ये तीनों घटनाएं एक साथ भी हो सकती हैं, लेकिन पढ़ने के क्रम में हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पढ़ने का काम करते हैं।
तो विकट के लिए कभी भी हमको जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जैसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट की बात करते हैं, जैसे हम लोग एक्सरे की बात करते हैं, जैसे हम लोग विजुअल रेस की बात करते हैं, ये सारी कैसी आपकी होती है, ये रेडिएशंस होती हैं। और यही रेडिएशन क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी को गर्म करने में सहायता करती हैं। यही क्या होते हैं, विकिरण क्या है, पृथ्वी को गर्म करने में सहायता करती हैं। कौन सी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, क्या करती हैं, पृथ्वी को, पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी की सतह को गर्म करने का काम कौन करती है आपकी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या होती हैं, जो ये क्या करती है, रेडिएशन जो होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। यानी कि जो इसकी तीव्रता होती है, तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी, इसकी जो इंटेंसिटी है गर्म करने की, क्या हो जाएगी, वो घटती चली जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इंटेंसिटी होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, जितनी दूरी बढ़ेगी उसकी क्या हो जाएगी, हीट की जो गर्म करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, उसकी घटती चली जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्याननी है कि तीन प्रकार से होता है आपका रेडिएशन, सॉरी आपका ट्रांसफर। एक आपका होता है कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेक्शन, और एक आपका कौन सा होता है, रेडिएशन। रेडिएशन जो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और आपकी रेडियो वेव्स। इसमें ये आपकी कौन सी होती है, वायलेट विजुअल होती है। इसमें आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होती हैं, जो दृश्य कहलाती है, जिनको हम देखने में यूज करते हैं। और इंफ्रारेड जो होती हैं, ये आपकी चीज़ों को गर्म करने में मौजूद हेल्प करती हैं। और इस तरह से आपको इनको समझने का काम करना है। तो ये आपके हो गए कौन से, विकिरण के बारे में, रेडिएशन के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो एक चीज़ और निकल के आएगी, एक होता है किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, किरचॉफ के नियम से पूछा गया है। इन्होंने ये बोला है कि जो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ई लैम्डा इमिटेंस और एब्जॉर्बेंस, यानी कि किसी भी पदार्थ पे या किसी भी बॉडी पर जितना लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है, और जितना जो इमिट कर रही है वो क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। यानी कि ई लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए लैम्डा। ये बात इन्होंने समझाई है। इसको समझ लीजिए ऐसे कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई भी रेडिएशन, यानी कि कोई भी विकिरण, कोई भी किरणें अगर पड़ रही हैं, तो जितना विकिरण वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही विकिरण क्या करेगा, इमिट करेगा। ये दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं। दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं। यही बात कही है आपने किरचॉफ के नियम में। इसको समझ लीजिए कैसे होगा, एक चीज से इन्होंने कहा था कि जिस कोई वस्तु जिस तापमान पे, नोट कर लीजिएगा, कोई वस्तु जिस तापमान पर, कोई वस्तु जिस तापमान पर जो तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य अवशोषित करती है, जो तरंग दैर्ध्य अवशोषित करती है
जो वस्तु जिस तापमान पर जो तरंग दैर्ध्य अवशोषित करती है, अधिक तापमान पर उसी तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करती है। इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तापमान पर जो तरंग दैर्ध्य अवशोषित करती है, अधिक तापमान पर उसी तरंग दैर्ध्य का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कोयला है। अब कोयला क्या है, काला हमको दिख रहा है। कोयला किस रंग का दिख रहा है, काला दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है कि उसने सभी रंगों को क्या कर लिया है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। उसने क्या किया है, सभी रंगों को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। हम जब कोयले को गर्म करते चले जाएंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कोयला हमको पूरा लाल दिखेगा। क्या दिखेगा, रेड रंग का, हमको एकदम रेड दिखेगा। और हम गर्म करेंगे तो हमको क्या होगा, वो सफेद दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया है, अगर बहुत हॉट कर देते हैं तो हमको सफेद दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तापमान कुछ नहीं था, सामान्य तापमान था, इसका मतलब उसने सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया था। और जैसे जैसे हमने उसको तापमान बढ़ाना शुरू किया, जितना तापमान बढ़ा दिया कि एक ऐसे तापमान पे जिसको उसने एब्जॉर्ब किया था, उन सबको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जब सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा तो हमको क्या दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। क्योंकि सफेद क्या है, हमको कोई सफेद कब दिखती है, जब सामने वाला ऑब्जेक्ट सभी रंगों को छोड़ के वहां से वापस हमको भेज देता है तो हमको सफेद दिखाई देती है। अगर हमको कोई चीज काली दिख रही है, मतलब उसने क्या किया है, सभी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और कोई ऐसी वस्तु जो सभी चीजों को एकदम एब्जॉर्ब कर ले, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती है। जिसे आपका उसको कहते हैं कृष्णिका कहा जाता है, जैसे काजल हो जाता है। काजल को हम लोग एक परफेक्ट नहीं तो लगभग ब्लैक बॉडी के रूप में उसको हम लोग कह सकते हैं। तो कोई वस्तु जिस तापमान पर जिस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है, अधिक तापमान पर उसी तरंग दैर्ध्य को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। ये बात कही थी किसने, किरचॉफ ने कही थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे रोज ग्रीन ग्लास हो गया, एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक ग्लास आप ले लीजिएगा। ग्रीन ग्लास जो है, ये हमको हरी क्यों दिख रही है, हमको हरी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसने क्या किया है, केवल ग्रीन को उत्सर्जित किया है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन जब हम इसको हम गर्म कर देते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यही हमको लाल दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हो गया, निम्न तापमान पर उसने लाल को एब्जॉर्ब कर लिया था और गर्म करने पर उसको इमिट कर रहा है, तो निम्न तापमान पर जिस तरंग दैर्ध्य को कोई भी मीडियम, कोई भी पदार्थ एब्जॉर्ब करेगा, उच्च तापमान पर उसी को क्या करेगा, हमको वो दिखेगा। जैसे घास ले लीजिए, ग्रास मोस्टली क्या होती है, ग्रास मोस्टली ग्रीन होती है, घास हरी ही तो होती है। अब घास हरी क्यों है, क्योंकि उसने लाल वाले को एब्जॉर्ब कर लिया है, हरी वाले को छोड़ दिया है। लेकिन उसी घास को आप तंदूर में डाल दीजिए, तंदूर में घास का रंग कैसा दिखेगा हमको जलने के बाद, एकदम लाल दिखता है। तो तंदूर में घास लाल क्यों हो गई है, क्योंकि पहले ग्रीन था, यानी कि उसने लाल को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो क्योंकि हॉट हो गया है, तो निम्न तापमान पर जिस तरंग दैर्ध्य को उसने एब्जॉर्ब कर लिया था,
उच्च तापमान पर उसी तरंग दैर्ध्य को क्या करते इमिट करती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है आपका किरचॉफ का नियम। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए, किरचॉफ ने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड जिस तापमान पर जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है अधिक तापमान पर उसी तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करता है। जैसे हरी घास, हरी घास ने निम्न तापमान पर लाल रंग को एब्जॉर्ब किया था, और जब घास को हम तंदूर में जलाते हैं तो घास हमको सफेद लाल दिखाई देती है, क्योंकि निम्न तापमान पे उसने लाल को एब्जॉर्ब किया था और उच्च तापमान पे उसने लाल को छोड़ दिया। तो उस तापमान पे जो छोड़ दिया है वही क्या है आपका किरचॉफ का नियम को ये फॉलो करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही आपका किरचॉफ का नियम कहता है कि जो एब्जॉर्बेंट वेवलेंथ है और जो इमिटेंस वेवलेंथ है दोनों क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। निम्न तापमान पर जिस वेवलेंथ की लाइट को कोई भी पिंड एब्जॉर्ब करता है उच्च तापमान पर उतने ही वेवलेंथ की लाइट को या वेव को वो बॉडी क्या करती है इमिट करती है। ये किरचॉफ का नियम है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। किरचॉफ के नियम के बाद हमको बात करनी यहां पर वो आपका होता है स्टीफेंस का नियम। किसका होता है स्टीफेंस का नियम, इसको ध्यान लिखिएगा। स्टीफेंस का नियम याद रखिएगा। इन्होंने कहा किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है E डायरेक्टली टू क्या होता है T टू पावर 4 होता है। किसी आदर्श कणिका के एकांक क्षेत्रफल से किसी आदर्श कणिका के एकांक क्षेत्रफल, आदर्श कणिका मतलब क्या होता है आपका ब्लैक बॉडी, किसी आदर्श कणिका के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण की दर तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, उसके परम ताप की उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। चतुर्थ घात की क्या होती है समानुपाती होती है। ये बात कही गई थी स्टीफेंस ने, यानी कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है उसके पर यूनिट एरिया से अगर कोई भी रेडिएशन पर यूनिट सेकेंड में रेडिएट हो रही है वो रेडिएशन क्या होगी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के क्या होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात स्टीफेंस ने कही थी कि किसी भी ब्लैक बॉडी के पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड में रेडिएट होने वाली जो आपकी रेडिएशन की जो अमाउंट है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात स्टीफेंस का नियम कहलाता है। ई जो होता है टी टू पावर 4 कहलाता है स्टीफेंस का नियम। तो ये स्टीफेंस का नियम है, इसको आपको याद रखना है। और जहां पर आपका ध्यान रखेंगे अगर इसको हम हटाते हैं यहां पर तो ये आपका स्टीफेंस का निकल के आ जाएगा ई बराबर म्यू टी टू पावर 4, जहां पर ये क्या है आपका स्टीफेंस कांस्टेंट है, स्टीफन नियतांक होता है। ये ध्यान रखिए ये क्या है आपका स्टीफेंस का नियतांक।
ये आपको ध्यान रखना, ये क्या आपका स्टीफेंस का नेतांक होता है। स्टीफेंस के नेतांक के बाद हम लोगों को जानना है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है न्यूटन का कूलिंग नियम। न्यूटन ने जो है वो शीतलन का सिद्धांत दिया था, वो क्या है कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं उसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का, न्यूटन का शीतलन का सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इन्होंने ये बताया था कि जो कूलिंग होती है उसके लिए क्या होगा, एक ग्रेडियंट होना चाहिए, एक ग्रेडियंट होता है और कूलिंग जो होती है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो कूलिंग जो होती है वो सराउंडिंग के तापमान पे निर्भर करती है। सराउंडिंग का तापमान अगर कम है, सराउंडिंग का तापमान और जिसको हम कूल कर रहे हैं उसका तापमान का डिफरेंस अगर क्या है ज्यादा है तो जल्दी कूलिंग होगी। अगर सराउंडिंग का और जिसको हम ठंडा कर रहे हैं उसके तापमान में डिफरेंस घटता चला जा रहा है तो कूलिंग की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे मैंने समझाया था कि कोई भी बॉडी है, समझिएगा, कोई भी बॉडी है जिसको जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस करने में मान लीजिए हमको लगता है 5 मिनट, कितना लगता है 5 मिनट लगता है। अब उसी को 70 से 60 डिग्री करने में हमको तापमान ग्रेटर देन 5 मिनट लगता है, फिर हमको 60 से 50 डिग्री सेल्सियस करने में हमको क्या होगा और ग्रेटर देन 5 मिनट लगेगा। अब हमको अगर 50 से 40 करना है तो हमको और क्या होगा टाइम ज्यादा लगेगा। यानी कि जैसे जैसे चीजें ठंडी होती चली जाएंगी उसके ठंडे होने की दर क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर लगातार घटती जाती है, वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट की सापेक्ष उसका तापमान में कितना घट रहा है। तो अगर 80 से 70 किया है तो हमको लगे 5 मिनट, अब अगर हमको 70 से 60 करना है तो हमको 5 मिनट से ज्यादा लगेगा क्योंकि इन्वायरमेंट के तापमान में क्या हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा घटता चला जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। जैसे जैसे शीतलन होता जाता है, जैसे जैसे शीतलन होता जाता है शीतलन का दर बढ़ता जाता है, शीतलन का दर बढ़ता जाता है, ध्यान रखिएगा। और चीज, शीतलन की दर वस्तु एवं सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग के तापमान के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस पे क्या होती है, सराउंडिंग में समान,
तापमान अगर घटता जाएगा तो कूलिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। शुरुआत में जल्दी जल्दी ठंडा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ठंडापन होना क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। जैसे क्या होता है, एक ग्रेडियंट की तरह काम करता है। एक कैसे काम करेगा, ग्रेडियंट की तरह काम करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हो गई आपकी न्यूटन का, क्या कहलाता है आपका, ये शीतलन का नियम कहलाता है। जैसे पिघली आइसक्रीम, तो ये रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका डेल्टा रेट ऑफ जो कूलिंग होता है, ये डबल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के होता है, और यहां पर क्या होता है, टी टू माइनस टी वन होता है, ये डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिए। ये आपसे एग्जाम में बस इतना ध्यान रखेगा कि एक जैसे तापमान घटता जाएगा, जैसे जैसे तापमान घटता जाएगा, ठंडे होने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही कहा गया आपका कूलिंग इफेक्ट में कहा गया, यही बात न्यूटन ने बताई थी। इस प्रकार से सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के तापमान जैसे घटता चला जाएगा, वैसे क्या होगा, रेट क्या होगा, घटता चला जाएगा, ये बात उन्होंने बताई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक और चीज यहाँ पे जो पढ़नी है वो है, इसको हम लोग फिसलन बोल सकते हैं। जैसे समझ, एक डायग्राम से, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहां मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर 100 से, या इसको 0 मत मानिएगा, या अगर तापमान हमको कम करना है तो ये स्लोप क्या है, ज्यादा है, ये स्लोप क्या है, थोड़ा कम है, ये स्लोप क्या है, और कम है, ये स्लोप क्या है, और कम है, ये स्लोप क्या है, और कम है। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहां पर डिफरेंस ज्यादा है, तो ये देखिए स्लोप ज्यादा है, यानी कि ढलान ज्यादा है, तो ढलान क्या होगी, ज्यादा होगी तो कूलिंग रेट क्या होगी, कूलिंग रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप यहां पहुंच गए 80 पे, फिर आप पहुंच गए 60 पे, फिर आप पहुंच गए यहां पे मान लो 40 पे, फिर आप यहां पहुंच गए 10 पे पहुंच गए, तो आप देख टेम्परेचर घटने पे ढलान क्या हो रही है, घट रही है। तो ढलान घटने पर कूलिंग रेट क्या होगी, सॉरी कूलिंग रेट यहां पर क्या हो जाएगी, कम होगी, जल्दी जल्दी घटेगी, और ढलान घट गई तो कूलिंग रेट बढ़ जाएगी, यानी कि देर में जो ठंडा होगा। तो ढलान पर डिपेंड करता है, किस पे, स्लोप पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्लोप पर डिपेंड करता है कि चीजें ठंडी कैसे होंगी। यही बात जो है न्यूटन ने बताई थी, यही बात न्यूटन ने बताई थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक और होता है वीन्स लॉ, जो एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ये क्या होता है इसको देख लीजिएगा। वीन्स का नियम पूछ लेता है, वीन्स का नियम आपसे पूछ लेता है। इन्होंने बोला था कि डेल्टा एम डायरेक्ट टी, ये वीन्स का नियम कहलाता है। इसके अनुसार क्या है, ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिटेंस is inversely proportional to the temperature of the body। यानी कि इसका मतलब क्या है, वीन्स ने यह बोला कि कोई भी बॉडी जितनी ज्यादा हॉट होगी उससे
उतनी कम वेवलेंथ की क्या होंगी, किरणें निकलेंगी। आप देख रहे हैं वेवलेंथ जो है वो क्या है आपका यहां पर, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि कोई बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ होंगी वे क्या होंगी, उतनी ही कम होंगी। तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होंगी उनकी वेवलेंथ क्या होंगी, कम होंगी। कोई बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे उतनी कम वेवलेंथ की क्या होंगी, किरणें निकलेंगी। और कोई जितनी ठंडी होगी उससे उतनी लंबी क्या होंगी, वेवलेंथ निकलेंगी। यही बात बीन्स ने बताई थी। तो नोट कर लीजिएगा, बीन्स के अनुसार क्या है कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य की किरणों का उत्सर्जन वस्तु के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी भी बॉडी का तापमान जितना ज्यादा होगा उससे उतनी कम वेवलेंथ की क्या होंगी, रेडिएशन इमिट होंगी। जैसे सन से जो रेडिएशन निकलती हैं इनको हम लोग कह देते हैं शॉर्ट वेव्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शॉर्ट वेव्स कह देते हैं, लघु तरंगे कह देते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, बहुत गर्म है। वहीं पर अर्थ है, ये अर्थ जो गर्म कर दिया, ये अर्थ ने गर्म कर दिया, अर्थ जो गर्म हुई है, अब सूर्य की तुलना में अर्थ क्या है, बिल्कुल ठंडी है। तो जब सूर्य, जब पृथ्वी गर्म होगी और ये निकालती रेडिएशन, इसको हम लोग कह देते हैं आपका पार्थिव विकिरण। ये कैसी होती हैं, ये आपकी क्या होती है, लॉन्ग वेव्स होती हैं। तो इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, अर्थ है, और ये मान लीजिए क्या है आपका, सन है, ये क्या है आपका, सूरज है, और ये हमारा क्या है, वायुमंडल है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। तो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो वायुमंडल को क्रॉस करके, वायुमंडल को क्रॉस करके अंदर आकर के पृथ्वी को गर्म करती हैं। तो ये जो सूर्य से किरणें आती हैं ये क्या होती हैं, ये आपकी शॉर्ट वेव्स होती हैं, लघु तरंगे होती हैं, और इनको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। और जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो पृथ्वी भी क्या करती है, यहां से रेडिएशन इमिट करती है। और पृथ्वी गर्म होने के बाद जो रेडिएशन इमिट करती है ये कैसी होती हैं, ये आपकी लॉन्ग वेव्स होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्ग वेव्स, दीर्घ तरंगे होती हैं, और इनको हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो बीन्स ने यही बताया था कि जो ठंडी होगी, जो गर्म होगी, जो जितनी ज्यादा हॉट होगी उतनी ही कम वेवलेंथ की क्या करेगी, तरंगे निकालेगी। और जो ज्यादा ठंडी होगी, जो ज्यादा ठंडी होगी वो क्या होगी, वो अधिक वेवलेंथ की क्या करेगी, तरंगे निकालेगी। तो सूर्य से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव्स होती हैं, और पृथ्वी से जाने वाली जो पार्थिव विकिरण है ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, क्या होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या है आपकी, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं इनकी एक टेंडेंसी होती है, ये शॉर्ट वेव को तो आने देती हैं लेकिन ये लॉन्ग वेव को ये जाने नहीं देती हैं, लॉन्ग वेव को जाने नहीं देंगी, ये वापस पृथ्वी भेज देती हैं। और इसीलिए क्या होती है, पृथ्वी हमारी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो वीन्स के लॉ के अनुसार क्या है, वीन्स ने बोला था कि जो भी आपका वेवलेंथ होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये यहां पर हमारे पृथ्वी और सूर्य पर क्या होता है, लागू होता है। हमारे पृथ्वी और सूर्य पर क्या होता है, चीजें लागू होती हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो जितनी ज्यादा गर्म होगी
वो उतनी कम वेवलेंथ की। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक यो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर क्या है, अगर हॉट है, अगर हॉट है इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसके पास ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। यानी सूर्य से आने वाले किरणों के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा हॉट होती है। अगर कोई चीज क्या है, कूल है, तो उसके पास क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो उसके पास ऊर्जा क्या होगी, कम होती है। इसलिए आप देखेंगे सूर्य से आने वाली किरणों के पास ऊर्जा ज्यादा होती है, पृथ्वी से या चंद्रमा से आने वाली जो किरणें होती हैं उनके पास ऊर्जा कम होती है, क्योंकि यहां पर वीन्स के लॉ को क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। तो वीन्स के लॉ को फॉलो किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में कई बार जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बॉडी के तापमान के क्या होता है, वेवलेंथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई, तो ये पूरा टॉपिक आपका हो गया। आप कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। हीट के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, स्थिर तापमान पर 1 किलो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो यहां पे क्या बात की गई है बेटा, यहां पर बात की गई है अवस्था की, स्टेट की बात की गई है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेट को कौन बदलता है, हमेशा गुप्त ऊष्मा बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेटेंट हीट। अवस्था बदलने का काम हमेशा कौन करता है बेटा, तो लेटेंट हीट करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की इकाई की दर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा, हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, हीट पर यूनिट टाइम, सॉरी, और ये क्या होता है आपका, ये आपका वाट होता है। क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाता, ध्यान रखिएगा, हीट पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें दो हम तार लेते हैं अलग अलग मटेरियल के, दो तार लेते हैं हम अलग अलग मटेरियल के और दोनों को हम जोड़ देते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, तापमान T1 करते हैं, यहां पे हम तापमान T2 करते हैं, और इसमें हम एक तरफ से कम तापमान, एक तरफ हॉट रखते हैं, एक तरफ हम कूल रखते हैं, और हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम करंट प्रवाह करते हैं, सॉरी, अगर हम यहां पे एक तरफ हॉट करते हैं, तरफ कूल करते हैं, तो एक तरफ अगर हम हॉट रखते हैं और एक तरफ अगर हम कूल रखते, ये क्या हो गया, कहां चला गया वो वाला, पहले वाला, एक तरफ अगर हम क्या करते हैं हॉट रखते हैं और एक तरफ हम क्या करते हैं इसको कूल करते हैं, तो और फिर हम देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, करंट प्रवाहित होने लगता है। यहां पे करंट, तो ये बताया था किसने आपका, ये बात बताई थी आपका सीबेक ने बताया था। थॉमसन ने क्या कहा था कि एक तार है, एक कोई कॉपर का वायर ले लीजिए, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, दोनों के तापमान बराबर है, मान लीजिए दोनों के तापमान बराबर हैं, और बीच में अगर आप क्या करते हैं यहां पर करंट भी देते हैं और हीट भी देते हैं, तो आधा तार ठंडा हो जाएगा और आधा तार क्या हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा। ये बात कही थी थॉमसन ने। और पेल्टियर ने क्या कहा था, इसका उल्टा बताया था, सीबेक का उल्टा, सीबेक का उल्टा बताया था कि अगर हम दो को जोड़ करके, इसी को हम लोग थर्मोकपल भी कह देते हैं, कि अगर हम यहां पर करंट देते हैं तो देखेंगे कि क्या होता है, यहां पर तापमान में परिवर्तन आ जाता है। यह बात पेल्टियर ने कही थी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सीबेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों पैदा करता है। तो पंखे से क्या हो जाता है,
हवा की हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी का है। वाष्पन से क्या हो जाता है, यहां से हमारी जो गुप्त ऊष्मा है वो निकलती है, उससे क्या हो जाता है कि हमको ठंडा महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, तापमान क्या हो जाएगा, फ्रिज को खोल देने से क्या हो जाता है कि कमरे का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि जो सिस्टम हमारा बनता है वो इस प्रकार से आपका हीट इंजन की तरह वहां पे काम करता है। इस हम लोग पढ़े थे क्लास में, आगे फिर पढ़ेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लास में आएगा कि ऐसा होता क्यों है। इसको अगर जानना है आपको तो क्लास में आप आइएगा, वहां पर जब क्लास चलेगी तो डिटेल में इसकी बताया जाएगा कि इसका तापमान बढ़ क्यों जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान बनने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान में बनने लगता है। तो देखिएगा, अब पानी को हमको देर में उबालना है, यानी कि उच्च तापमान पे हमको पानी उबालना है, तो प्रेशर कुकर क्या करता है, उच्च दाब कर देता है जिससे पानी हाई टेम्परेचर पे उबलता है। पहले 100 पे उबल रहा था, अब 100 से ज्यादा उबलेगा, तो प्रेशर कुकर क्या कर देता है, प्रेशर कुकर क्या करता है आपका, प्रेशर बढ़ा देता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। सेम चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वो आपका क्या कहलाता है, ट्रिक पॉइंट कहलाता है। मैंने बताया था आपको ट्रिपल पॉइंट, ये यहां पर क्या होता है, ये 0.006 पास्कल और यहां पे 0.01 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में क्या है आपका, पानी मिलता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिपल पॉइंट या ट्रिक बिंदु कह देते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट में क्या होगा, तो बताया आपको सी अपॉन 5 बराबर एफ माइनस 32 बटे 9। अगर इसको आप लगा देंगे तो यहां पर रख देंगे आप कितना 40, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 104 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर यहीं पे होगा -40 तो -40 हो जाता, यहाँ पे 40 पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन तापमान की इकाई नहीं है, सेल्सियस फारेनहाइट थर्म या रैंकिन। तो ध्यान रखिएगा, थर्म जो है ये आपकी ऊष्मा की इकाई है, किसकी इकाई है, ऊष्मा की इकाई है, बाकी तीनों किसकी होती हैं आपकी, ये तापमान की इकाई है। सेल्सियस फारेनहाइट और रैंकिन आपके तापमान की इकाई है, थर्म जो है आपकी किसकी है, ये हीट की है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसको आपको ध्यान रखना है, सी क्या है आपका एकदम सही आंसर। एक क्वेश्चन और यहां पर, थर्मामीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, जो आपका लिक्विड थर्मामीटर होता है, लिक्विड थर्मामीटर जो होता है उसमें पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका आयतन तापमान वृद्धि के वर्ग के अनुपाती होता है, ये तापमान के साथ आयतन में रेखीय बिंदु रखता है, इसका आयतन तापमान स्थिर रहता है। तो इसका पहला है, इट्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्मामीटर में पारे को डालने का काम होता है, इसका जो आयतन है वो तापमान में वृद्धि के साथ क्या हो जाता है, वर्ग के समानुपाती होता है। हल्का सा भी क्या होगा, तापमान वृद्धि होगी तो इसके आयतन में क्या हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती में वृद्धि हो जाती है। इसलिए थर्मामीटर का ताप बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, जो तापमान को क्या कर देता है, जल्दी से इसको हम रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो था आपका हीट का था, और जो मैंने बताया आपको एक क्लास जो पढ़ा हुआ है, ये सारा का सारा अधिकांश चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी इसी चीज़ आपको पूछा जाएगा, चाहे वो आपका तापमान हो, चाहे आपकी हीट हो, चाहे आपका प्रसार हो, या आपका तापमान का स्थानांतरण हो, या आपके किरचॉफ का नियम हो, चाहे आपका स्टीफंस का नियम हो, चाहे आपका न्यूटन की कूलिंग का नियम हो, चाहे आपका वीन्स का डिस्प्लेसमेंट नियम हो, या आपके चीज़ें आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, अगर कोई आपको सलाह है मेरे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के दीजिएगा, उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।